वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो तो बच्चों, हमारे ऑडिट के रिवीजन में ये जो सेकंड हम रिवीजन ले रहे हैं, दैट इज फॉर टू चैप्टर्स, चैप्टर टू ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्रोग्राम, और दूसरा जो चैप्टर हम कवर करेंगे चैप्टर सिक्स, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर टू, इसका वेटेज है बच्चों सिंगल चैप्टर का 8 to 12%। तो हमारा जो मिशन 60+ है ऑडिट के लिए, उसके लिए अगर हम बात करें तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। छोटा सा सिंगल चैप्टर मिनिमम 8 to 10 मार्क्स आपको देगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहला, व्हाई प्लानिंग इज नेसेसरी। सर, ऑडिट प्लानिंग की हम बात कर रहे हैं तो व्हाई प्लानिंग इज नेसेसरी फॉर ऑडिट। देखो, हर चीज में तो प्लानिंग जरूरी है। इफ यू आर नॉट प्लानिंग, दैट मींस यू आर प्लानिंग टू बी फेल, राइट? तो प्लानिंग तो हर जगह जरूरी है। सो लेट्स सी व्हाई प्लानिंग इज नेसेसरी। सर, प्लानिंग हेल्प ऑडिटर टू डिवोट अप्रोप्रिएट टाइम ऑन इम्पॉर्टेंट एरियाज। It helps auditor to identify and resolve potential problems. It helps auditor to perform engagement in effective and efficient manner. It helps auditor for selection of engagement team. But it also helps to coordination with others like expert or another auditor, and it helps for direction, supervision and review of work. ये एकदम सिंपल सिंपल पॉइंट है, यानी कि प्लानिंग से ऑडिटर को क्या फायदा होगा। तो सर, प्लानिंग से ये सारे फायदे होंगे, इम्पॉर्टेंट एरियाज पर प्रॉपर टाइम डिवोट कर पाएंगे हम, इंगेजमेंट को इफेक्टिव तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे इफेक्टिव और इफिशियंट तरीके से, पोटेंशियल प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई पहले से हो पाएंगी, कोऑर्डिनेशन अच्छे से होगा, एंगेजमेंट टीम का सिलेक्शन आराम से होगा और उनका सुपरविजन रिव्यू हम प्रॉपरली कर पाएंगे। दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग। करें, चलो कंटिन्यू ना, सब रेडी। अब यहाँ पर दो तीन हमारे पास फ्रेज है बच्चों, जब हमने पहले पढ़ा था तब भी समझे थे। जैसे पहला, प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअल एंड इटरेटिव प्रोसेस, यानी कि यह एक सतत रूप से लगातार चलते रहने वाला और बार बार होने वाला कार्य है, नॉट ए डिस्क्रीट फेज ऑफ ऑडिट। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए सेंटेंस को हम ये दो तीन बातों को रेफर करते हैं। हम बोलेंगे, सर ऑफन प्लानिंग बिगिंस एट द टाइम ऑफ or near to the completion of the current year, previous year audit, and it continues till the completion of current audit. इस सेंटेंस को मेनली इस आंसर में लाना होगा, मेनली ये एक बात यहाँ पर लानी होगी। तो ये सेंटेंस अगर एक्सप्लेन करना है तो क्या सिर्फ इतना सा ही लिखना है क्या सर? तो पहले आप थोड़ा सा क्वेश्चन में जो लिखा है उसी बात को लीजिए, फिर लिखिए प्लानिंग के बेनिफिट होते हैं, ये मेन सेंटेंस कोट कीजिए कि सर प्लानिंग इस तरह से है, वो बात लिखिए कि प्लानिंग इज नॉट ए डिस्क्रीट फेज ऑफ ऑडिट, कंटिन्यूअल है, इटरेटिव है। तो ये ऐसे तीन चार पॉइंट हमारे बनाकर इसे क्लोज करेंगे बच्चों। नेक्स्ट, अब ये वाला सेंटेंस एक और, ये जो इन्वर्टेड कॉमा में मैंने आपको लिख के दिया, ये वाला भी, ये भी एक सेंटेंस लिखकर आपको एक्सप्लेन करना आ सकता है। तो इसे पढ़ते हैं। प्लानिंग इंक्लूड्स कंसिडरेशन ऑफ टाइमिंग ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज एंड ऑडिट प्रोसीजर्स दैट नीड्स टू बी कंप्लीटेड प्रायर टू द परफॉर्मेंस ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। क्या मतलब हुआ इसका बच्चों? अगर हम ऐसे सोचें, कहीं भी अगर हम घूमने भी जाएं, तो सपोज हमने प्लान किया, आप अभी गए थे, आपने प्लान किया उदयपुर जाना है, नाथद्वारा जाना है। अब उदयपुर में एक दिन रुककर चार जगह घूमना है, तो उन चार जगहों पर कितना टाइम देंगे, क्या करेंगे, क्या वहां घूमने के लिए इसकी हेल्प लगेगी, क्या मुझे एक ड्राइवर चाहिए, क्या मुझे कैब चाहिए, क्या व्हाटएवर व्हाटएवर। तो मतलब सर, प्लानिंग जब हम करते हैं तो प्लानिंग के अंदर कौन से फर्दर ऑडिट प्रोसीजर प्लान करने, उसके लिए भी पहले कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ एक्टिविटीज करना पड़ेंगी। तो इन्हें हम बोल रहे हैं प्रिलिमिनरी। देखते हैं क्या है। प्लानिंग इंक्लूड्स कंसिडरेशन ऑफ टाइमिंग ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज एंड ऑडिट प्रोसीजर्स दैट नीड्स टू बी कंप्लीटेड कब? प्रायर टू द परफॉर्मेंस ऑफ फैप।
पैप लगाने से पहले प्लानिंग में कुछ चीजें करना है, क्या करना है? पहला सर, एनालिटिकल प्रोसीजर टू अप्लाई एस आरएपी। हम कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर, इस ईयर हमने कुछ रेशियोज निकाले, डिफरेंसेस निकाले, पता चला 4 पॉइंट में ही बड़े बड़े डिफरेंस आ रहे हैं, तो इन 4 पर ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर लगाना पड़ेगा, राइट? सो एनालिटिकल प्रोसीजर टू अप्लाई एज आरएपी, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ऑब्टेन जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी। बगैर नॉलेज के प्लानिंग कैसे होगा? सो ऑब्टेन जनरल अंडरस्टैंडिंग, साथ ही साथ लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या लगता है एंटिटी पर। तीसरा, डिटर्मिनेशन ऑफ मटीरियलिटी। करेक्ट है, हमने ऐसे 320 पढ़ा हुआ है, हम इसी लेवल पर डिसाइड कर लेते हैं कि हमारी मटीरियलिटी एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल क्या होगी। तीसरा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट, क्या हमें एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करना है। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस ऑफ अदर आरएपी, अदर आरएपी मतलब जैसे इंक्वायरी विद मैनेजमेंट, इंक्वायरी विद दोस चार्ज विद गवर्नेंस, कुछ चीजें ऐसी हम करते हैं एंटिटी की नॉलेज लेने के लिए, कई लोगों से बात करते हैं, वो वाली सारी चीजें। तो बच्चों ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है, ये सेंटेंस लिखकर आपको पूछा जाए कि सर वो क्या चीजें हैं। सो प्लानिंग इंक्लूड्स कंसिडरेशन, दो बातें हैं, एक और ऐसा ही रिलेटेड टॉपिक अभी पढ़ेंगे अपन, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिए। कुछ ऐसे प्रोसीजर जो फैप के पहले करना है, हमारा ऑडिट प्रोसीजर का चार्ट आपको पता है, सबसे पहले हम आरएपी लगाते हैं, फिर हमारी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर आती है। तो सर अभी यहां पर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, जब प्लानिंग करेंगे तो फैप के पहले कुछ और चीजें करना है, वो क्या क्या करना है? सर एनालिटिकल प्रोसीजर एस आरएपी लगाना, एंटिटी का अंडरस्टैंडिंग जुटाना, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क समझना, और मटीरियलिटी डिसाइड करना, और नेक्स्ट एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करना है क्या ये चेक करना, और लास्ट में अदर आरएपी लाइक इंक्वायरी एक्सेट्रा परफॉर्म करना। तो ये हुआ बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अब प्लानिंग ऑफ ऑडिट की बात करें, इसमें दो स्टेजेस शामिल होती हैं। अभी तक तो प्लानिंग के पहले की बात कर रहे थे, हमने दो बातें पढ़ी, प्लानिंग क्यों जरूरी है और प्लानिंग के पहले क्या करना होता है, ठीक है। अब सर प्लानिंग की दो स्टेजेस हैं, एक है प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज। जैसे ही ये इंगेजमेंट एक्टिविटी, प्रिलिमिनरी, ये सब वर्ड आया, हम यहां पर याद करेंगे हमारा एसक्यूसी, वहां पर हमने पढ़ा था एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस, वो सब बातें यहां पर आएंगी। तो प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटी, और दूसरा प्लानिंग एक्टिविटी, जिसमें हमारी दो स्टेजेस होती हैं, स्ट्रेटेजी एंड प्लान, स्ट्रेटेजी एंड प्लान। चलिए तो प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटी के अंदर देखते हैं क्या क्या कर रहे हैं। पहला, प्रोसीजर रिगार्डिंग कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, आइस आइस बेबी, ऐसा ही था ना, एक पढ़ा था ना कुछ, आइस क्या होता है, आइस में आई फॉर इंटीग्रिटी ऑफ की मैनेजर पर्सन एंड ओनर, देन सी फॉर कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी ऑफ आर इंगेजमेंट टीम, देन ई फॉर एथिकल रिक्वायरमेंट एंड इंडिपेंडेंस, एस फॉर सिग्निफिकेंट मैटर आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द प्रीवियस ऑडिट। इन सब बातों के आधार पर हम देखेंगे कि एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड हो रही है। दूसरा, कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट प्लस इंडिपेंडेंस। एथिकल रिक्वायरमेंट जो एसक्यूसी में पड़ी थी वो इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर, वो सब फुलफिल होना चाहिए। इंडिपेंडेंस की बात करें, सर इंडिपेंडेंस में हमें क्या देखना है कि क्या हमारे पास पॉलिसी प्रोसीजर है जिससे हम इंश्योर कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंस मेंटेन रहे, अगर कोई ब्रीच है तो हमें पता चल जाए, टाइमली एक्शन ले पाए, सेफगार्ड ले पाए, ये सब इसमें पॉइंट आ गए। तो हमने बोला प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटी में क्या करना है, पहला हमें क्लाइंट एक्सेप्टेंस की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड हुई है नहीं, कंटिन्यूएंस की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड हुई है नहीं, ये देखा। दूसरा हमने देखा कि एथिकल रिक्वायरमेंट और इंडिपेंडेंस सेटिस्फाइड हो रहा है क्या। तीसरा, एस्टेब्लिशिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट। सर हमारी फर्म ने इंगेजमेंट लेटर भेजा होगा जिसे मैनेजमेंट ने एग्री किया होगा, राइट? तो वो इंगेजमेंट लेटर इंगेजमेंट पार्टनर को पढ़ना चाहिए ताकि उसे पता चले कौन कौन सी इंगेजमेंट टर्म्स एक्सेप्ट हुई हैं। सो बिफोर डूइंग प्लानिंग, दीज थ्री प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटी,
अब यार दोनों बात तो मैंने बिफोर बिफोर बोला, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ये याद रखिए, अगर हमको ऐसा बोलते हैं बिफोर प्लानिंग या बिफोर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, व्हाट आर द प्रोसीजर टू अप्लाई, तो वो पहले वाला पॉइंट था। बिफोर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर क्या लगाना है, तो वो 5 पॉइंट अभी पढ़े थे। और अगर हमको बोले सर व्हाट आर द प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी टू परफॉर्म बिफोर वी डू स्ट्रेटेजी एंड प्लान, तो वो ये वाले 3 पॉइंट है। दोनों में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, दोनों पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा दोनों का। चलो आगे, ये क्लियर है। अभी प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी के बारे में और पढ़ रहे हैं, फिर उस पर आते हैं। परफॉर्मिंग प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज असिस्ट द ऑडिटर इन आइडेंटिफाइंग एंड इवेल्युएटिंग इवेंट्स और सर्कमस्टांसेस दैट मे अफेक्ट ऑडिटर्स अबिलिटी टू प्लान एंड परफॉर्म ऑडिट एंगेजमेंट। क्या फायदा होगा इस प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी का? सर ऑडिटर को वो सारी नॉलेज मिल जाएगी जो उससे इफेक्टिव और इफिशियंट प्लानिंग करने में हेल्प करेगी। सोचो जरा एक एग्जांपल, सर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट हमने पढ़ी, तब पता चला ब्रांच पर सेपरेट रिपोर्ट देना है, तो यार प्लानिंग में ब्रांच की सेपरेट रिपोर्ट लाना पड़ेगा ना, टीम को बोलना पड़ेगा ना ब्रांच के सारे पॉइंट अलग से चाहिए, राइट। सो परफॉर्मेंस प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी असिस्ट द ऑडिटर इन आइडेंटिफाइंग एंड इवेल्युएटिंग इवेंट्स और सर्कमस्टांसेस दैट मे अफेक्ट ऑडिटर्स अबिलिटी टू प्लान एंड परफॉर्म। ये मैंने नीचे लिखा है व्हाट इज इंक्लूडेड इन प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज एंड व्हाई प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, ये क्वेश्चन है बच्चों। What is preliminary engagement activity to be performed before audit planning and why we need to perform this? तो हमने ये पढ़ लिया, ये से फायदा होगा। बताएं और कुछ यहाँ पर डिस्कस करना है? चलें आगे, थोड़ा बहुत पढ़ के आ पाए क्या आप लोग आज, देख के आए हो थोड़ा? चलें नेक्स्ट आते हैं। अब हमने बात की प्लानिंग की, दो स्टेजेस हैं, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी एंड ऑडिट प्लान। अब ऑडिट प्लान में दो स्टेप आती है, पहले स्ट्रेटेजी बनती है फिर प्लान बनता है, करेक्ट है? पहले स्ट्रेटेजी बनती है फिर प्लान बनता है। तो सर स्ट्रेटेजी में क्या होता है? सर स्ट्रेटेजी सेट्स द एसटीडी, हमको याद है ये बात, स्ट्रेटेजी सेट्स द एसटीडी, एस फॉर स्कोप, टी फॉर टाइमिंग, डी फॉर डायरेक्शन, विच रिजल्ट्स इनटू डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। तो ये स्ट्रेटेजी में बच्चों अगर ये एक स्लाइड नहीं, दो स्लाइड है हमारे पास टोटल, ये दो स्लाइड पढ़ लेंगे ना उसके बाद स्ट्रेटेजी में कुछ है ही नहीं, और सिर्फ दो ही स्लाइड है अपने पास। तो पहला हमने पढ़ा ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी क्या है, सर स्ट्रेटेजी सेट द एसटीडी, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट विद रिजल्ट्स इनटू डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। फिर सर स्ट्रेटेजी में क्या होता है? सर स्ट्रेटेजी में रिसोर्सेस का प्लानिंग होता है, स्ट्रेटेजी में रिसोर्सेस पर बात होती है। सर रिसोर्सेस पर क्या बात होती है? चार चीजों की। सर क्या रिसोर्सेस चाहिए, कितने यानी अमाउंट कितना चाहिए, व्हेन कब चाहिए, और कैसे वो सुपरवाइज और गाइड होंगे, करेक्ट है? तो अब ये चारों पॉइंट पढ़ लेते हैं बच्चों। स्ट्रेटेजी असिस्ट ऑडिटर टू डिटरमाइन द रिसोर्सेस। रिसोर्सेस के बारे में क्या? पहला व्हाट द रिसोर्सेस रिक्वायर्ड, तो हमने उसका नीचे डिस्क्रिप्शन या एग्जांपल लिखा, जैसे हमें एक्सपीरियंस मेंबर चाहिए कि नए नए चुन्नु मुन्नु भी चल जाएंगे। दूसरा क्या हमें एक्सपर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, ये हमने डिसाइड किया। दूसरा अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, कितने रिसोर्सेज चाहिए, जैसे नंबर ऑफ टीम मेंबर कितने चाहिए, 5 लोग चाहिए कि 10 लोग चाहिए। बजटिंग क्या है, याद है आपको जब हमने पढ़ा था तो एक टेबल बनाई थी, सर आर्टिकल के 8 दिन के इतने रुपए बनते हैं, काइंड ऑफ दैट। तो व्हाट वाज द बजटिंग फॉर अवर इंटरनल रिसोर्सेज एंड टाइम, सर टाइम कितना है कंप्लीशन के लिए, सामने वाले ने बोला है 6 दिन में ऑडिट रिपोर्ट चाहिए, ज्यादा टीम लगेगी, काइंड ऑफ दिस। सो अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। तीसरा व्हेन, व्हेन दीज रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, सर हम सारे रिसोर्सेज पहले दिन से डालने वाले हैं या अलग अलग? हाँ सर, कुछ रिसोर्सेज एक इंटरिम पीरियड पर जब आधा ऑडिट हो जाएगा तब जरूरत पड़ेगी, कुछ एक कट ऑफ फाइनल डेट होगी तब जरूरत पड़ेगी। सो वी विल डिसाइड व्हेन दीज रिसोर्सेज रिक्वायर्ड थ्रू आउट द ऑडिट एट इंटरिम डेट और सम कट ऑफ इंपॉर्टेंट डेट। नेक्स्ट हाउ दीज रिसोर्सेज विल बी डायरेक्ट सुपरवाइज एंड मैनेज,
तो बच्चों स्ट्रेटेजी में अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन ना आए, आपको बोले एक कोई सेंटेंस लिख के, ऑडिट स्ट्रेटेजी सेट्स द टाइमिंग स्कोप एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट, एक्सप्लेन द ऑडिट स्ट्रेटेजी, ये सब लिखना है अपने को। ऑडिट स्ट्रेटेजी ये सेट करती है, ऑडिट स्ट्रेटेजी में रिसोर्सेस की बात होती है, चार चीजें बताते हैं, व्हाट रिसोर्सेस रिक्वायर्ड, हाउ मच यानी कितना अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस चाहिए, व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, हाउ दे विल प्लान सुपरवाइज एंड मैनेज। क्लियर है बच्चों ये वाला पॉइंट। अब इसका दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ऑडिट स्ट्रेटेजी का ये लास्ट डिस्कशन, दो ही इसमें स्लाइड है अपने पास। दूसरा डिस्कशन है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑडिट स्ट्रेटेजी, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑडिट स्ट्रेटेजी। हमने बोला है डॉक्टर एसआर के, डॉक्टर एसआर के। बच्चों इसमें ये जो पांचों पॉइंट है, इसमें से कोई एक पॉइंट 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, इसलिए इसकी सब डिटेलिंग, सब पॉइंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम पूरा एग्जॉस्टिवली इसको वापस से पढ़ रहे हैं, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। डी इज डायरेक्शन फॉर एंगेजमेंट टीम। अब एंगेजमेंट टीम को डायरेक्शन के जो पॉइंट होते हैं सर, वो कहां डालेंगे, स्ट्रेटेजी में ही डालेंगे। तो पढ़ते हैं, पहला वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन एंड मटीरियलिटी, सर हमारे ट्रांजेक्शन कितने हैं, कम हैं, ज्यादा हैं, और ओवरऑल मटीरियलिटी लेवल क्या है, ये कहां सेट कर देंगे, सर यहां मटीरियलिटी में ही तो सेट करेंगे, मतलब स्ट्रेटेजी में ही तो सेट करेंगे, तो स्ट्रेटेजी में ये पॉइंट लिख दिया जाएगा। दूसरा सिग्निफिकेंट चेंजेस इन AFRF, सिग्निफिकेंट चेंजेस इन AFRF, अगर AFRF में कोई सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है, शेड्यूल 3 बदल गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बदल गए हैं, तो यहां डिफाइन करना पड़ेगा। सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड सिग्निफिकेंट अदर रिलेटेड चेंजेस, तो हमारे पास चार पॉइंट आए जिसको हम बोलेंगे कि दीज आर द फैक्टर अफेक्टिंग डायरेक्शन फॉर एंगेजमेंट टीम। चार पॉइंट सर, वॉल्यूम एंड मटीरियलिटी, वॉल्यूम एंड मटीरियलिटी, दूसरा और तीसरा और चौथा में सिग्निफिकेंट वर्ड, सिग्निफिकेंट चेंजेस AFRF, सिग्निफिकेंट चेंजेस इंडस्ट्री, एनी अदर सिग्निफिकेंट चेंज। बहुत आसान है ये वाला, आना चाहिए 3 मार्क्स के अंदर, एक ही पॉइंट याद रखना है, बाकी तीनों एकदम कॉमन कॉमन पॉइंट है। सबसे पहला बोला सर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन एंड मटीरियलिटी, फिर सिग्निफिकेंट चेंजेस इन AFRF और एप्लीकेबल रूल्स, सिग्निफिकेंट चेंजेस इन इंडस्ट्री, सिग्निफिकेंट अदर रिलेटेड चेंजेस। इन सबको ध्यान में रखते हुए हम हमारी एंगेजमेंट टीम को डायरेक्शन देंगे। चलिए दूसरा आर, डॉक्टर का आर, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। बच्चों ये पता नहीं क्यों फेवरेट है, 2 बार पूछा है बच्चों एग्जाम में, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। वॉट आर द रिपोर्टिंग आस्पेक्ट विच अफेक्ट द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑडिट स्ट्रेटेजी, या हाउ दिस अफेक्ट द ऑडिट स्ट्रेटेजी, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। बच्चों ये 3-4 जगह जहां जहां पे कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट हैं, ये बात हमने उधर SQC में भी देखी है। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में क्या होगा, जैसे सर इंटरिम है कि फाइनल है, स्टैट्यूटरी है, फिर हम बात करते हैं सर एक इंटरिम रिक्वायर, एक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ये भी होती है ना कि TCWG को टाइम टू टाइम ब्रीफ करना है। एक हम हमारी एंगेजमेंट टीम के लिए कुछ रिपोर्टिंग की टाइमलाइन सेट करते हैं, वो सारे पॉइंट यहां पर हम कैप्चर कर रहे हैं। देखिए पहला टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग इंटरिम और फाइनल, हम इंटरिम का रिपोर्टिंग कर रहे हैं या फाइनल का, ये देखना पड़ेगा। दूसरा मैनेजमेंट डिस्कशन फॉर ऑडिट प्रोग्रेस, मैनेजमेंट ने बोला है हर सैटरडे मिलेंगे सर, ऑडिट की प्रोग्रेस पर बात करेंगे, तो हमें इसका रिपोर्टिंग करना है मतलब मैनेजमेंट को, ये एक यहां पर फैक्टर आ गया। स्ट्रेटेजी में डिसाइड करना पड़ेगा कि हर फ्राइडे शाम तक ऑडिट की प्रोग्रेस को कंपाइल करो, मैनेजमेंट से डिस्कशन है। तीसरा पॉइंट कम्युनिकेशन इन एंगेजमेंट टीम, आपस में कैसे कम्युनिकेशन होगा ये भी हम डिसाइड कर रहे हैं। अरे स्ट्रेटेजी बना क्यों रहे, हमारे लिए बना रहे हैं, किसी और के लिए थोड़ी बना रहे हैं, तो हमारी टीम का कम्युनिकेशन कैसे होगा वो भी डाल दिया। फोर्थ मैनेजमेंट डिस्कशन फॉर ऑडिट रिपोर्ट, एक था मैनेजमेंट डिस्कशन फॉर ऑडिट प्रोग्रेस, एक है फॉर ऑडिट रिपोर्ट। सर मुझे ऑब्जर्वेशन मिला कोई जिससे मुझे लगता है भाई ये तो रिपोर्ट में आएगा, हमने पढ़ा है ऐसे 260 में अगर कोई भी मैटर रिपोर्ट को अफेक्ट करने वाला है पहले मैनेजमेंट और TCWG को बताना पड़ेगा, डायरेक्ट ऑडिट रिपोर्ट में डाल के नहीं बोलेंगे सरप्राइज,
नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा, करेक्ट। तो हमने सेकंड बोला बच्चों, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, 4 पॉइंट, टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग इंटरिम और फाइनल, फिर सर मैनेजमेंट से डिस्कशन फॉर ऑडिट प्रोग्रेस, एक और पॉइंट साथ में ही, मैनेजमेंट से डिस्कशन फॉर ऑडिट रिपोर्ट, और हमारी इंगेजमेंट टीम में कम्युनिकेशन, चार चार पॉइंट सब में हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, स्कोप की बात करते हैं, व्हाट आर द स्कोप, स्कोप से हमारी स्ट्रेटेजी अफेक्ट होगी। जैसे पहला, सर AFRF क्या लगता है, ये हमारे स्कोप को अफेक्ट करेगा। सर एंटिटी पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगते हैं, हाँ सर ये वाला लगता है, तो उसकी रिपोर्टिंग होगी। सर ये वाला नहीं लगता, हमारे स्कोप से बाहर हो गया। देन इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, जैसे हमने एग्जाम्पल में पहले भी बात की है, फार्मा कंपनीज को रिसर्च एक्सपेंसेस अलग से बताने हैं, सो इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। अब आपने AS 26 पढ़ लिया होगा, अभी भी नहीं पढ़ा है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। नेक्स्ट, नीड ऑफ एक्सपर्ट, क्या हमें एक्सपर्ट की नीड है क्या, ये भी हम यहीं पर बात करेंगे स्कोप के अंदर। और 2 पॉइंट, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत जगह वर्ड आया है, अगर एंटिटी ने अपनी सारी अकाउंटिंग या प्रोसेस आउटसोर्स की हुई है, तो भाई जहां पर मेन चीज हो रही है, मुझे उसके कंट्रोल, उसकी प्रोसीजर भी समझना होंगे, तो मेरा स्कोप थोड़ा बढ़ जाएगा। तो हमने बोला यूज ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक व्यक्ति मैनुअल बुक्स रख रहा है, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो मुझे एक अपनी टीम में ऐसा एक्सपर्ट चाहिए जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कंट्रोल चेक कर पाए, राइट। तो ये 5 पॉइंट हमने पढ़े, विच अफेक्ट स्कोप ऑफ माई इंगेजमेंट एंड ए फैक्टर टू डिटरमाइन द ऑडिट स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट, रिसोर्सेस रिक्वायर्ड, ये हम बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं, सेलेक्शन ऑफ टीम, इंगेजमेंट बस्टिंग, और जो एरिया हायर IRMM वाले होते हैं वहां पर सीनियर व्यक्ति या ज्यादा टीम लगती है। नॉलेज ऑब्टेन इन प्रीवियस इंगेजमेंट, रिजल्ट ऑफ प्रीवियस ऑडिट फॉर इवेल्युएटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, पिछली बार ऑडिट किया था और हमने ये कंक्लूजन निकाला कि इधर तो इंटरनल कंट्रोल अच्छा नहीं है, क्या इस ऑडिट में आपको कोई फर्क पड़ेगा इससे? यस सर, माई NTE ऑफ FAP विल इंक्रीज, समझ पा रहे हैं सभी सेंटेंस, माई NTE ऑफ FAP विल इंक्रीज, ठीक है। इम्फेसिस फॉर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, सर पिछले साल की ऑडिट में बहुत गड़बड़ मिल रही थी, तो अपनी टीम को क्या बोलेंगे, बॉस अलर्ट रहो, इधर बहुत पंगा है, इधर बहुत गलतियां मिलती है, अलर्ट रहो। सो नीड टू मेंटेन, एम्फेसाइज करेंगे कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को फॉलो करें, समझ में आया बच्चों। तो दीज आर फैक्टर्स टू डिटरमाइन ऑडिट स्ट्रेटेजी डॉक्टर SRK। अगर हमको इंडिविजुअल कोई पॉइंट ना पूछें और सीधा पूछ लें व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑडिट स्ट्रेटेजी, तो ये पांचों पॉइंट का हेडिंग एक एक लाइन में पूरा एक्सप्लेन करना है, एक एक लाइन। जैसे सर ऑडिटर विल कंसिडर द फैक्टर्स विच रिक्वायर डायरेक्शन फॉर द एंगेजमेंट टीम टू डिसाइड ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिटर विल कंसिडर द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट फॉर्मिंग द ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिटर विल सी द स्कोप ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट वाइल प्रिपेयरिंग ऑडिट स्ट्रेटेजी। ऐसे ये पांचों पॉइंट एक एक लाइन में लिखना होंगे, क्लियर हो रहा है क्या दोनों? अगर इंडिविजुअल पूछे हैं तो सब पॉइंट बनाने, और अगर पूरा पूछ लें तो पांचों एक एक लाइन में समझाने। दोनों के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, अभी देखेंगे हम, डन यहां तक। तो ऑडिट स्ट्रेटेजी इज ऑल अबाउट दीज 2 स्लाइड्स, देख लो, कुछ भी डाउट हो तो पूछो बच्चों। नेक्स्ट आते हैं डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। अब स्ट्रेटेजी के आधार पर प्लान बनता है। अगर हमें ऑडिट प्लान की बात हो रही है तो 2-3 हमारे यूनिवर्सल सेंटेंस हैं। जैसे पहला, सर ऑडिट प्लान विल बी डेवलप्ड आफ्टर ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लान इज मोर डिटेल्ड देन ऑडिट स्ट्रेटेजी, बराबर है क्या? ऑडिट प्लान इज मोर डिटेल्ड देन ऑडिट स्ट्रेटेजी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है सर, इसमें ये 3 चीजों का डिस्क्रिप्शन होता है। सर ऑडिट प्लान विल बी हैविंग डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, सर ऑडिट प्लान विल हैव डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड व्हाट
आर द अदर प्रोसीजर्स गिवन इन रेस्पेक्टिव एसेज। तो इन तीनों को पूरे सेंटेंस में लिखना पड़ेगा। ऑडिट प्लान विल इंक्लूड डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क, ऑडिट रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, ऐसा लिखना पड़ेगा एज पर एसे 315। करेक्ट, ये ऐसे लिखना पड़ेगा। तो डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान की बात हो रही है, तो ये दो कॉमन सेंटेंस आपको बताया मैंने। पहला, सर स्ट्रेटेजी के बाद प्लान बनेगा। प्लान इज मोर डिटेल्ड देन स्ट्रेटेजी। प्लान विल इंक्लूड डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज थ्री, और ये तीनों बातें लिख देंगे। ये हो गई प्लान की बात। तो सर स्ट्रेटेजी और प्लान में क्या डिफरेंस हो गया? स्ट्रेटेजी ब्रॉड है। सर ऑडिट प्लान जो है वो उन्हीं मैटर्स को एड्रेस करेगा जो स्ट्रेटेजी में लिए गए हैं। सर ऑडिट स्ट्रेटेजी में एसटीडी बताई जाती है, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। और सर ऑडिट प्लान में उन बातों को इंप्लीमेंट किया जाता है। जो स्कोप स्ट्रेटेजी ने बता दिया वो इंप्लीमेंट करेंगे, जो डायरेक्शन वहां डिसाइड हो गया वो इंप्लीमेंट करेंगे। तो दोनों में फर्क भी समझ में आ गया। ये डन। ये बच्चों एक थोड़ा ऑफबीट क्वेश्चन, इसको मार्क कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन। क्या लिखा है देखिए, प्लानिंग सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ वर्क ऑफ एंगेजमेंट टीम। ये एक्चुअली ऐसे 300 की एकदम बात नहीं है। हम क्या बात कर रहे हैं, ऐसे 300 में हमने बोला ऑडिट प्लानिंग करना है। ये टॉपिक अगर नहीं है तो नोट कीजिएगा बच्चों, अगर नहीं है आपके पास लिखा हुआ तो, वैसे होना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं क्या चीज है ये। सर हम ऑडिट जब एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हमें अपनी टीम के काम को सुपरवाइज डायरेक्ट रिव्यू करने की भी प्लानिंग करनी चाहिए। देखो क्या लिखा है, ऑडिटर टू प्लान नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। ऑडिटर टू प्लान नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ सुपरविजन एंड डायरेक्शन। हम पूरे ऑडिट की प्लानिंग की बात नहीं कर रहे, वो तो हो गई। वी डिस्कस दिस कि सर ऑडिट का प्लान होता है, उसमें वो तीन चीजों का डिस्क्रिप्शन होता है। अब एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। सर मैं एंगेजमेंट पार्टनर हूं, मेरे पास 8 लोगों की टीम है। सर उस टीम के काम को मुझे क्या करना है? सुपरवाइज करना है, उसे डायरेक्ट करना है, उसे मैनेज करना है। तो सर एंगेजमेंट टीम के काम को सुपरवाइज और डायरेक्ट करने के लिए भी मुझे नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट लगेगा, उसे डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे मैं बोलूंगा यार ये सेल्स की चेकिंग में 10-15 दिन लगते हैं, हर थर्ड डे पर मैं इसको रिव्यू करूंगा, हर थर्ड डे पर मैं इसको चेक करूंगा कि कितना काम हुआ है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। सर फिक्स्ड एसेट का कैपिटलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, वो 3 दिन तक चलेगा, पर वो इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं हर दिन शाम को डिस्कस करूंगा, हर दिन शाम को आधा घंटा दूंगा उस पर। ये है मेरी टीम के काम को सुपरवाइज और डायरेक्ट करने के मेरे एंटी। समझ मारा डिफरेंट, समझ मारा टॉपिक में? तो ये बच्चों इसी नाम से पूछा जा सकता है, इसका क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। अब ये किस बात पर अफेक्ट करेगा कि ऑडिटर टीम को डायरेक्ट और सुपरवाइज करने के लिए कितना एनटीई लगाए, ये किस बात पर डिफेंड करेगा? जैसे सपोज सर मेरी टीम में 3 लोग गए ऑडिट करने, एक एकदम नया नया बच्चा है जो अभी आर्टिकलशिप ज्वाइन किया है, बाकी दोनों मेरे पुराने 2 साल पुराने आर्टिकल हैं। किसका काम ज्यादा रिव्यू करना पड़ेगा? जो नया नया अभी टीम में ज्वाइन हुआ है। तो किन चीजों पर मेरा डायरेक्शन सुपरविजन डिपेंड करेगा? सर वो टीम मेंबर की एक्सपर्टीज, स्किल, कॉम्पिटेंस कितना है उस बात पर। सर वो एरिया जिसमें काम कर रहा है उस बात पर। सर उस एरिया के आरएमएम पर, सर कॉम्प्लेक्सिटी पर, साइज पर। चलो बात कर लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एनटीई ऑफ सुपरविजन एंड डायरेक्शन फॉर एंगेजमेंट टीम मेंबर। पहला, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। सर जो एरिया मेरा वो व्यक्ति कर रहा है वो बहुत वाइड और बहुत कॉम्प्लेक्स है। अच्छा,
ज्यादा रिव्यू लगेगा, ज्यादा डायरेक्शन लगेगा। सर एरिया ऑफ ऑडिट, वो कौन सा एरिया ऑफ ऑडिट है, कितना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, इसके अकॉर्डिंग असेस्ड आरएमएम, ये हमने बात कर ली। कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल टीम मेंबर, बच्चों ऐसे भी हमने हमेशा ये कंक्लूड किया है, जब भी आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग पूछते हैं, हमारे दो तीन रेड ग्रेवी वाले पॉइंट हैं, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी आरएमएम, इन दोनों में तो कोई डाउट ही नहीं है, जहां भी फैक्टर्स अफेक्टिंग डिसाइड ये तो आते ही आते हैं। तो हमने बात की साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी एंड असेस आरएमएम, दो पॉइंट और डाले सर, कौन सा एरिया है वो ऑडिट का, और तीसरा फोर्थ पॉइंट सर उस इंडिविजुअल पर्सन का कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी कैसा है। तो ये एक ऑफबीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे अच्छे से तैयार कीजिएगा। कोई डाउट तो नहीं इस टॉपिक में, चलूं आगे। डॉक्यूमेंटेशन, अरे डॉक्यूमेंटेशन में क्या है सर, डॉक्यूमेंटेशन यानी इस स्टैंडर्ड के अंदर हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट करना चाहिए। सर जो भी अब तक सोचा है वो सब, जैसे पहले स्ट्रेटेजी बनाई डॉक्यूमेंट कर लिया, प्लान बनाया डॉक्यूमेंट कर लिया, सर कोई चेंज आया तो क्यों चेंज आया, क्या चेंज आया, दोनों डॉक्यूमेंट कर लिया, ये हो गया डन, ये डॉक्यूमेंटेशन की बात हो गई। अब आते हैं बच्चों ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, ऑडिट प्रोग्राम सर इट इज ए लिस्ट और सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन स्टेप विच आर लॉजिकली इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, सर पहले ये फिर ये, आपस में उनका एक लॉजिकल कनेक्शन होता है, एंड टू बी अप्लाइड टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। हमने जब ये पढ़ा था तब हमने बात की थी, सबसे पहले स्ट्रेटेजी बनेगी, फिर प्लान बनेगा, फिर प्रोग्राम बनेगा। सो प्रोग्राम इज मोर डिटेल्ड देन प्लान, एंड प्लान इज मोर डिटेल्ड देन स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो ऑडिट प्रोग्राम की डेफिनेशन अगर समझें, ऑडिट प्रोग्राम इज ए सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन स्टेप लॉजिकली इंटरलिंक्ड विद ईच अदर टू परफॉर्म और टू परफॉर्म विद ऑब्जेक्टिव टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस फॉर दैट एरिया, ठीक है। अब इसमें दो तीन जनरल पॉइंट, पहला वन प्रोग्राम नॉट सुटेबल फॉर ऑल बिजनेस, आपको एक बड़ा सा केस बना के देते हैं, ये कंफर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट ये कंपनी का ऑडिट करने गई, एक एंगेजमेंट मेंबर ने बोला कि उस वाला प्रोग्राम को इधर यूज कर लेते हैं, क्या उसका व्यू करेक्ट है, ऐसा आपको क्वेश्चन आता है। सो वन प्रोग्राम नॉट सुटेबल फॉर ऑल बिजनेसेस, व्हाई सो बिकॉज सर एवरी कंपनी साइज नेचर कॉम्पोजिशन एंड इंटरनल कंट्रोल इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर, सो वी नीड ए सेपरेट प्रोग्राम फॉर ईच एंटिटी, वन प्रोग्राम इज नॉट सुटेबल फॉर ऑल एंटिटी, बस ऐसा ही इसको कंक्लूड करना है। दूसरा डिस्कशन जो यहां पर बार बार आपको केस बना के दिया जाता है, असिस्टेंट टू कीप ओपन माइंड, क्या होता है यार ये असिस्टेंट टू कीप ओपन माइंड, सर जो ऑडिट प्रोग्राम है ये एक ब्रॉड फ्रेमवर्क देता है, ये एक पैरामीटर सेट कर देता है, बट व्हाइल डूइंग ऑडिट यू मे सी देयर आर न्यू सर्कमस्टांसेस, यू मे ऑब्जर्व दैट वन मेथड और प्रोसीजर मेंशनड इन प्रोग्राम इज नॉट रिलेवेंट नाउ। सो ऑडिट की जो टीम है, जो एंगेजमेंट टीम है, दे शुड कीप their mind open to make the changes in the audit program। तो बच्चों ये जो sentence आता है to keep open mind, इसको justify करने के लिए हम ये दो तीन बातें लिखेंगे। पहला सर audit program is basically a minimum essential required, सर इसमें क्या होता है, it sets a frame, ये एक फ्रेम बना देता है कि हाँ ऐसी ऐसी चीजें वहां पर आपको एग्जीक्यूट करना है। तीसरा सर व्हाइल ऑडिटिंग वी मे अल्टर टू अकोमोडेट सिचुएशन, सर कोई नई सिचुएशन मिली तो हमें अल्टर करना पड़ेगा हमारी प्रोसीजर को। चौथा हमने लिखा सर इनिशियली प्लान प्रोसीजर मे बी ड्रॉप्ड इफ नॉट सुटेबल, बराबर है क्या बात, क्लियर हो गई। तो सर ये एक मिनिमम प्रोग्राम होता है, ये एक फ्रेम सेट कर देता है, कुछ नया जोड़ेंगे कुछ पुराना ड्रॉप करेंगे, इसके लिए लगेगा ओपन माइंड, इसके लिए लगेगा ओपन माइंड, क्लियर हो गया ये भी। चलो बच्चों नेक्स्ट आते हैं, फॉर कंस्ट्रक्टिंग ऑडिट प्रोग्राम पॉइंट्स टू कंसीडर,
बच्चों कुछ जगहों पर कुछ टॉपिक्स जो हैं वो थोड़े कंफ्यूजिंग हैं अपने सब्जेक्ट के अंदर। जैसे ऑडिट प्रोग्राम में दो बातें यहां पर दी गई है, एक होता है फैक्टर्स टू डिटरमाइन टू फ्रेम द ऑडिट प्रोग्राम, दूसरा यहाँ है कंस्ट्रक्टिंग ऑडिट प्रोग्राम पॉइंट्स टू कंसिडर। दोनों बातें थोड़ा अलग अलग है, पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ रहे हैं फॉर कंस्ट्रक्टिंग ऑडिट प्रोग्राम पॉइंट्स टू कंसिडर। ठीक है सर, अगर हमें ऑडिट प्रोग्राम बनाना है तो क्या क्या बातों को ध्यान रखें? पहला सर, स्टे विद इन द स्कोप, रिटर्न होना चाहिए, डिटरमाइन करो बेस्ट एविडेंस कौन से हैं, स्पेसिफिक सिचुएशन में कौन सा प्रोसीजर लगाओगे, मेंशन करो ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट एरिया, इतना डिटेल में लिखो कि इंगेजमेंट टीम को समझ में आ जाए कि यहाँ क्या चाहिए। कंसीडर ऑल पॉसिबल एरर एंड कोऑर्डिनेट द प्रोसीजर्स। क्विकली वापस से पढ़ लो जल्दी से। सर ऑडिट प्रोग्राम बनाते समय किन किन पहलुओं को कंसिडर करना है? पहला स्कोप में रहो, दूसरा रिटर्न होना चाहिए, हर एरिया का स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव देखो, बेस्ट ऑडिट प्रोसीजर क्या है वो देखो, क्या पोटेंशियल एरर वहां मिल सकती है वो देखो, और कोऑर्डिनेशन करो आपस में। ये हो गया, तो प्रोग्राम बनाते समय इन बातों का ध्यान रखिए, प्रोग्राम बनाते समय इन बातों का ध्यान रखिए। ऑडिट प्रोग्राम के कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? एडवांटेजेस बहुत सारे, हमने जितनी भी चीजें बात करी सर, ये असिस्ट करेगा, इफेक्टिव होगा, एफिशिएंट होगा, टाइमली कंप्लीशन होगा, बेटर रिव्यू होगा, बेटर सुपरविजन होगा, ये सब एडवांटेज है। सर डिसएडवांटेज क्या है? सर हो सकता है अब टीम अपना माइंड अप्लाई ना करे, फ्लेक्सिबल ना रहे, ऐसे कुछ डिसएडवांटेज हो सकते हैं। जल्दी से पढ़ते हैं। एडवांटेज, इट गिव्स क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू असिस्टेंट। सेकंड एडवांटेज, मेजर ऑडिट में ये एक असेंशियल होगा क्योंकि ये टोटल पर्सपेक्टिव देगा। सर ये एंगेजमेंट टीम के सिलेक्शन को इजियर बनाएगा, सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट इजियर विदाउट रिटर्न बेस्ड ऑन मेमोरी। अगर ये प्रोग्राम रिटर्न ना हो तो सब मेमोरी बेस्ड हो जाएगा, विच इज नॉट ए गुड थिंग, एंड इट इज गाइडिंग फॉर नेक्स्ट ऑडिट, एंड फोर्थ इजी टू रिव्यू और सुपरवाइज। डिसएडवांटेज, वर्क बिकम मैकेनिकल। ठीक है सर, ये रिजिड और इनफ्लेक्सिबल तरीका होगा। किल द इनिशिएटिव ऑफ इफिशियंट असिस्टेंट, इफिशियंट असिस्टेंट कुछ नया नहीं सोचेगा, एंड इट इज ए शेल्टर फॉर इनअफिशियंट स्टाफ, इट इज ए शेल्टर फॉर इनएफिशियंट स्टाफ। हाँ ठीक है ना, ये एक अच्छा ऑडिट एविडेंस होगा कि हमने ऑडिट अच्छे से प्लान किया है, करेक्ट। दूसरा बच्चों एक लास्ट ऑफ बिट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेप्टेम्बर ऑल्सो एंड फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट ऑल्सो, नहीं आता है तो ड्राफ्ट द ऑडिट प्रोग्राम, ड्राफ्ट द ऑडिट प्रोग्राम। बच्चों हमको मॉड्यूल में भी ये दिया है, जो मई 24 का आरटीपी था वहां पर भी इस क्वेश्चन को दिया गया है कि ड्राफ्ट द ऑडिट प्रोग्राम। तो छोटा सा है, समझ लेते हैं। देखो प्रोग्राम बनाने के लिए थोड़ी भूमिका बनानी है, यानी कि एक पेज पे जब प्रोग्राम बनाएंगे तो पहले लिखेंगे नेम ऑफ एंटिटी, हमने लिख दिया पेस एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड। ईयर, कौन से ईयर का प्रोग्राम बना रहे हैं? सर ईयर 23-24। सर प्रिपेयर किसने किया? सर ऑफ अवर एंगेजमेंट टीम। रिव्यू किसने किया? सर क्यू ने किया। और अप्रूव किसने किया? एस ने किया। तो पहले तो ये एक भूमिका बनाई हमारे प्रोग्राम के लिए, ठीक है। अब प्रोग्राम में बोला गया है सर कि डिटेल्ड वेरिफिकेशन स्टेप्स होती हैं जो आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं, सपोज हम सेल्स का प्रोग्राम बना रहे हैं, वी आर डूइंग प्रोग्राम फॉर चेकिंग ऑफ सेल्स। तो हमने पहला एक टेबल बनाई, सीरियल नंबर, नेचर ऑफ प्रोसीजर, एक्सटेंट ऑफ चेकिंग, बेसिस ऑफ सैंपल एंड डन बाई। ठीक है, क्या क्या है देखो, पहला लिखा वाउच सेल्स इनवॉइसेस, हमको आरटीपी में जो दिया है उसको उन्होंने परचेज कर दिया, तो क्या कर देंगे वहां पे, वाउच परचेज इनवॉइस। ठीक है बच्चों, दूसरा ट्रेस टू सेल्स लेजर, ट्रेस टू परचेज लेजर, ठीक है। स्टॉक रिकॉर्ड दोनों में कॉमन आ जाएगा। फिर सर डेटर अकाउंट की जगह बोल देंगे क्रेडिटर लेजर चेक करेंगे और कैश और बैंक की एंट्री ट्रेस करेंगे। आपको लगता है कोई और ऐड करना है, एक और पॉइंट ऐड कर दीजिए।
दिस इज द सैंपल ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम की डेफिनेशन से हम याद करें क्या है सर, सर वेरिफिकेशन स्टेप्स हैं जो क्रोनोलॉजी में दिए, आपस में लिंक है, पहले ये फिर ये इस तरह से, तो हमने ये लिंक कर दिया आपस में। सर इसमें सब डिटेल बताई जाती है, कौन करेगा, कब करेगा, कितनी चेकिंग करेगा, उसमें क्या क्या करेगा, सब बता दिया। सर हम ट्रेस करेंगे सेल्स इनवॉइस को सेल्स लेजर में, कौन करेगा, कितना परसेंटेज ऑफ चेकिंग है, सैंपलिंग कैसे करोगे, अरे सेल 100% थोड़ी चेक करेंगे सर, कैसे करेंगे, हमने लिखा 10% बाय स्ट्रेटिफिकेशन। क्लियर हो रहा है? तो इस तरह से बच्चों ये ऑडिट प्रोग्राम बनेगा। क्लियर है ये? तो ऑडिट प्रोग्राम ड्राफ्ट करना एक ऑफ बीट क्वेश्चन हो सकता है, इसे अच्छे से तैयार कीजिएगा। अब आते हैं बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं, पढ़ते हैं पहले दिसंबर 21। टेक्स्ट वाइज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, इतना छोटा सा चैप्टर और कितने नंबर का है, 8 to 10 मिनिमम। तो इस चैप्टर की कोई लाइन ऐसी नहीं होनी चाहिए जो हमने ना देखी हो 100%। मैंने अभी रिवीजन में भी बहुत धीरे धीरे पढ़ाने की कोशिश की और सारी चीजें वापस से पूरी कवर की है, तो इसको तैयार कर लिया। अब पढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन, देखो। मेसर्स टीपीएन कंपनी ए फर्म ऑफ सीएस इज ऑडिटर ऑफ केएसआर लिमिटेड फॉर मेनी इयर्स। केएसआर लिमिटेड हैज डाइवर्सिफाइड देयर बिजनेस इनटू न्यूअर एरियाज ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। The senior member of audit team handed over the standard audit program of earlier years to the audit assistants and instructed them to follow the same. The assistants are conducting the audit accordingly. Whether the attitude of the audit assistant is justified or they require to keep an open mind, guide them. चार मार्क्स में लिखना है, ऐसा ट्रू एंड फॉल्स में नहीं पूछा है, ओपन माइंड रखना पड़ेगा। ओके, वो चार पॉइंट जो भी ओपन माइंड के पड़े थे कि सर ऑडिट प्रोग्राम सेट्स द मिनिमम रिक्वायरमेंट, इट सेट्स द फ्रेम। सर इसमें कुछ नई चीजें ऐड करनी पड़ सकती है जो सरकमस्टांसेस के अकॉर्डिंग हो, इनिशियली जो सोचा था उसमें से कुछ इररिलेवेंट है तो ड्रॉप करना पड़ेगा। Since this audit program is related to previous year, engagement team to keep open mind for these reasons, और वो चार पॉइंट लिख दीजिए। फोर मार्क्स के अंदर फोर पॉइंट पूछे हैं, एक पॉइंट भूले तो एक नंबर गया। तो चार पॉइंट, सर मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, इट सेट्स द फ्रेम, कुछ इंक्लूड करना पड़ेगा, कुछ ड्रॉप करना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? चलो आगे, नेक्स्ट। ये ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है शायद छोटा सा। वंस द ऑडिट प्लान हैज बीन ड्राफ्टेड एंड कम्युनिकेटेड, इट इज ऑब्लिगेटरी ऑन द ऑडिटर टू फॉलो द सेम। फॉल्स, फॉल्स। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट इफ ऑडिट और ऑडिटर थिंक्स इट्स अमेंडमेंट और चेंज इज रिक्वायर्ड, वी कैन डू इट। क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा क्या चेंज हुआ है और किस रीजन से चेंज हुआ है। नेक्स्ट आते हैं May 23 का ताजा क्वेश्चन। CAD has been appointed as an auditor. I think ऐसे 315 का है, मैंने आगे लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं, हमें तो 315 भी पता है, हम रिविजन कर रहे हैं। CAD has been appointed as an auditor of LMP Limited. Before developing an overall audit plan, CAD wants to get an understanding and knowledge of the client's business, including AFRF. Guide CAD in understanding of the same with reference to relevant standard on auditing. Industry का knowledge लगेगा, industry का knowledge, nature of industry पता करना, entity पता करना पड़ेगा, objective देखना पड़ेगा, क्या क्या देखना है और बताओ जरा, याद नहीं आ रहा कुछ भी। Understanding of accounting policy और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी देखना होती है, हमने कहा था इन एंड आउट फाइनल, हमने ऐसी बात की थी, इन एंड आउट फाइनल। सर इंडस्ट्री देखेंगे, नेचर देखेंगे, ऑब्जेक्टिव देखेंगे, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे और अकाउंटिंग पॉलिसीज का अंडरस्टैंडिंग जुटाएंगे, तो इन एंड आउट फाइनल ऐसा था बच्चों, राइट, याद आया, ऐसे 315।
नेक्स्ट पढ़ते हैं नवंबर 23 की आरटीपी का क्वेश्चन 4A. यू हैव बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ एमकेपी लिमिटेड फॉर द फर्स्ट टाइम. डिस्कस ब्रीफली द फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड बाय यू व्हाइल एस्टेब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी. बच्चों यहां पर पूरा डॉक्टर एसआर के लिखना है, वो 5.5 लाइनों में एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए लिखना है. सर ऑडिटर विल कंसीडर द फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर द डायरेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम. ऑडिटर विल कंसीडर द रिपोर्टिंग एस्पेक्ट्स while forming the audit strategy. Auditor will see the scope of the engagement while making audit strategy. Or फिर auditor will see the resources required to perform this audit engagement. के knowledge obtain. अब ये तो first time है, तो यहाँ पर ये applicable नहीं होगा. लिखा है उसमें first time. बराबर है. चलिए next. The audit plan includes the NTE of audit procedure to be performed by engagement team member. Explain. बच्चों बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. The audit plan includes the NTE of audit procedure to be performed by engagement team member. Explain. बस इतना लिख के बोला explain. क्या लिखेंगे इसमें, क्या लिखेंगे बच्चों, बोलिए बेटा. यस, हम वो तीन पॉइंट लिखेंगे. ऑडिट प्लान विल इंक्लूड द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस, और वो तीन चीजें एनटीई ऑफ रैप, एनटीई ऑफ फैप एंड अदर ऑडिट प्रोसीजर गिवन बाय अदर एसेस. अब क्योंकि एक जनरल क्वेश्चन है, आप तो पूरा ऑडिट पढ़ के जा रहे हो, तो आपको एक बात और यहाँ ऐड करनी चाहिए. व्हाइल प्रिपेयरिंग द ऑडिट प्लान ऑडिटर शुड गेट द अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ द क्लाइंट बिजनेस एंड एप्लीकेबल फ्रेमवर्क. ये यहाँ पर इसका आंसर है बच्चों. नेक्स्ट, इन एस्टेब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी द ऑडिटर शैल असर्टेन द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंगेजमेंट. एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल. क्या पूछा है कवि, क्या चाहता है यहां पर, सिर्फ रिपोर्टिंग पूछा है, रिपोर्टिंग वाले पॉइंट सिर्फ. तो मैंने आपको अभी बताया था कि ये दोनों तरह से पूछ रहे हैं, पूरा पांचों भी पूछ लिया और कोई इंडिविजुअल भी. रिपोर्टिंग में हमने बात की इंट्रीम है या फाइनल है, ठीक है. फिर रिपोर्टिंग में क्या था, तीन पॉइंट कॉमन थे क्या, डिस्कशन विद मैनेजमेंट फॉर ऑडिट प्रोग्रेस, डिस्कशन विद मैनेजमेंट फॉर ऑडिट रिपोर्ट एंड कम्युनिकेशन विद एंगेजमेंट टीम. ये लो हो गया 4 मार्क्स के 4 पॉइंट, बहुत बढ़िया. मई 24 का बहुत ताजा क्वेश्चन पढ़ा जाए. APR and associate ACA firm are appointed as the auditors of Time Limited and Bakes Limited. The volume and nature of business of both the companies are entirely different. दो अलग अलग कंपनियों के हम ऑडिटर हैं, ठीक है. CAR is the engagement partner for Bakers Limited. CAP is the engagement partner for Time Limited. ठीक है, मतलब ये दो लोग इसी फर्म के अलग अलग लोग हैं, अलग अलग एंगेजमेंट पार्टनर हैं, ठीक है. ये आर फॉर्मुलेट एन ऑडिट प्रोग्राम फॉर कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ बेक्स लिमिटेड. ही सजेस्ट सीएपी टू यूज द सेम ऑडिट प्रोग्राम फॉर टाइम लिमिटेड, बट सीएपी इज ऑफ द ओपिनियन दैट दिस ऑडिट प्रोग्राम विल नॉट बी यूजफुल फॉर ऑडिट ऑफ टाइम लिमिटेड. इन द लाइट ऑफ द अबव mention the matters that should generally be considered while preparing an audit program. Is CAP correct in emphasizing for a different audit program for time limited? पूरी ऊपर की कहानी लिख के नीचे पूछा पहले कुछ और है. पढ़ो बच्चों क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो. यहां दो क्वेश्चन पूछे गए हैं हमको. पहले पूछा इन द लाइट ऑफ अबव मेंशन द मैटर्स दैट शुड जनरली बी कंसीडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग एन ऑडिट प्रोग्राम. सर विद इन द स्कोप रहना, रिटर्न होना, उस एरिया के ऑब्जेक्टिव देखना, उस एरिया के ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट एविडेंस डिटरमाइन करना, एक्सपर्ट लगेगा क्या ये डिटरमाइन करना.
पढ़ा ऐसा सब अपन ने, ये है हमारे ऑडिट प्रोग्राम बनाते समय कंसीडर करने वाले फैक्टर। दूसरा क्वेश्चन पूछा कि सर वो उस कंपनी के लिए बना ऑडिट प्रोग्राम इस कंपनी के लिए सुइटेबल है क्या? क्या बोलेंगे? नहीं, वन ऑडिट प्रोग्राम इज नॉट सुइटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ एंटिटीज। हियर देर आर टू एंटिटीज विच आर डिफरेंट इन साइज, नेचर, कॉम्पोजिशन, इंटरनल कंट्रोल। सो द वन ऑडिट प्रोग्राम इज नॉट सुइटेबल फॉर अनदर एंटिटी। बच्चों एक क्वेश्चन में दो बातें पूछी है, 4 मार्क्स में तो दो बातें पूछी है, 2 मार्क्स ईच, राइट? तो बहुत सारा लिखना था इसके अंदर। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी क्रूशियल बच्चों। चलो नेक्स्ट, इस अटेम्प्ट के 2 क्वेश्चन है बच्चों, 7 मार्क्स के क्वेश्चन आपके सामने है। ये एमसीक्यू हमें नहीं पता है, 2 मार्क्स वहां भी होंगे तो 10 मार्क्स हो गए, 9 मार्क्स हो गए। चलो नेक्स्ट, May 24 का दूसरा क्वेश्चन इसी चैप्टर से। बी लिमिटेड इज ए कंपनी मैन्युफैक्चरिंग बेडशीट एंड पिलो कवर्स। दे हैव अपॉइंटेड मेसर्स सी एन कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट एज देयर ऑडिटर। द ऑडिटर इज एस्टेब्लिशिंग ऑडिट स्ट्रेटेजी विद हिज टीम मेंबर्स। एज द वर्क प्रोग्रेस दे केम टू नो दैट द कंपनी हैज डाइवर्सिफाइड इट्स बिजनेस एंड नाउ दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू मैन्युफैक्चर वुडन फर्नीचर। ठीक है, बेडशीट पिलो से वुडन फर्नीचर पर आ गए, बहुत बढ़िया। द ऑडिटर इन हिज प्रोफेशनल जजमेंट कंसिडर्स दिस इज टू बी अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स। गिव एग्जाम्पल ऑफ फैक्टर्स दैट इन ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट आर सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स। सिर्फ डायरेक्शन वाला पॉइंट पूछा है, सिर्फ डायरेक्शन वाला पॉइंट। क्या था इसके अंदर, क्या क्या पॉइंट थे डायरेक्शन में? वॉल्यूम, मटीरियलिटी, फिर 3 पॉइंट बहुत मजेदार थे, सिग्निफिकेंट चेंजेस इन एफआरएफ। बच्चों जितना बड़ा क्वेश्चन है इतना छोटा सा आंसर है, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, पहले लेंगे ऐसे 300 प्लानिंग वाइल परफॉर्मिंग ऑडिट, प्लानिंग इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके अंदर ऑडिट स्ट्रेटेजी बताइए। सर ऑडिट स्ट्रेटेजी डिसाइड करते समय डायरेक्शन फॉर एंगेजमेंट टीम के लिए एंगेजमेंट पार्टनर को ये पॉइंट लेना चाहिए, इसे थोड़ा एक्सप्लेन करो। एंगेजमेंट पार्टनर टू कंसिडर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन एंड मटीरियलिटी एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाइल डिटरमाइनिंग स्ट्रेटेजी। सर सिग्निफिकेंट चेंजेस इन एफआरएफ टू बी कंसीडर्ड, सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री रिलेटेड डेवलपमेंट टू बी कंसीडर, ऐसा थोड़ा ग्रामर इफ एंड बट लगा के लिखना होगा। इतना बड़ा क्वेश्चन, छोटा सा आंसर, आसान सा, आपको 4 मार्क्स में 3 मार्क्स में पूछा है बच्चों। अरे लिख पाएंगे बच्चों अपन? इजी है ये चैप्टर, बहुत अच्छा चैप्टर है यार बच्चों स्कोर करने के लिए। अब आ जाओ वापस, और बहुत सारे क्वेश्चन है आपके पास, उन सब के लिए जो कहते हैं कि हमें क्वेश्चन या क्वेश्चन बैंक नहीं मिलता। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज इंक्लूड सर्टेन एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड बाय एन ऑडिटर व्हाइल प्लानिंग एन ऑडिट। डिस्कस सच एक्टिविटीज ब्रीफली, हाउ परफॉर्मिंग सच एक्टिविटी असिस्ट एन ऑडिटर। बताओ बच्चों इसका आंसर क्या होना चाहिए? पहला, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज कौन कौन सी थी? पहला एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, दूसरा एथिकल रिक्वायरमेंट एंड इंडिपेंडेंस, तीसरा अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीओई टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। दीज 3 आर माई प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। फिर पूछा है एक और क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, हर क्वेश्चन में 2 बातें पूछ रहे हैं। पहले पूछा प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी क्या है, फिर क्या पूछा वाई, क्यों क्यों इसको करना है, बेनिफिट क्या है। तो हमने बात की थी सर इट असिस्ट ऑडिटर टू प्लान एंड परफॉर्म ऑडिट वर्क इफेक्टिवली, बराबर है क्या? तो ये एक लाइन नहीं लिखने का, एक नंबर कट हो जाएगा क्योंकि 2 चीजें पूछी है। क्लियर है बच्चों? चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए बच्चों। ये जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते थे मैंने सब निकाले हैं इस चैप्टर में, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा, ठीक है? तो ये पढ़ लोगे तो बस हो गया। द असिस्टेंट ऑफ सीए के इज असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ड्राफ्टिंग ऑडिट प्रोग्राम।
रिलेटिंग टू परचेज अपेयरिंग इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ब्रॉड इंडस्ट्रीज ए पार्टनरशिप फर्म द सेट फर्म इज ए जीएसटी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर एंड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पैकिंग बॉक्सेस फ्रॉम ए स्पेशल टाइप ऑफ पेपर टैक्सेबल अंडर जीएसटी हेल्प इन ड्राफ्टिंग ए सैंपल ऑडिट प्रोग्राम फॉर आया ये भी पहले तीन चार बातें कॉमन नेम ऑफ एंटिटी ईयर प्रिपेयर इसने किया रिव्यू इसने किया अप्रूव इसने किया पांच कॉलम वाली एक टेबल सीरियल नंबर वेरिफिकेशन स्टेप फिर एक्सटेंट सैंपल कैसे निकाला डन बाय हो जाएगा नेक्स्ट नवंबर 22 पी आरटीपी से क्वेश्चन बच्चों The nature, timing and extent of the direction and supervision of engagement team members and review of their work vary depending on many factor. Discuss those factor. कौन सा क्वेश्चन है ये? Auditor to determine NTE of supervision and direction of वर्क ऑफ एंगेजमेंट टीम फिर हमने उसमें तीन चार बातें की क्या क्या साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी आरएमएम ऑफ दैट एरिया उस एरिया का इंपॉर्टेंस और उस पर्टिकुलर टीम मेंबर का कैपेबिलिटीज और कॉम्पिटेंस इन चार आधार पर ये क्वेश्चन बच्चों ऐसा नहीं कि टाइमिंग एक्सटेंड नेचर आते ही अपन वहीं चले गए कहीं ऐसे 330 में या ऑडिट प्रोसीजर का एनटी NTE of the direction and supervision of engagement team member and review of their work. ये बच्चों एक ऑफबीट क्वेश्चन है जब भी आएगा बहुत ज्यादा लोग इसको गलत लिख सकते हैं इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा मेरे अकॉर्डिंग मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपने पिछले तीन अटेम्प्ट के पेपर में नहीं देखा है ठीक है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों कब पूछा था नवंबर नहीं पूछा भी नहीं आरटीपी में चलिए एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्लान डिस्कस द पर्पस सर्व्ड बाय इट एंड आल्सो इलैबोरेट द टूल्स यूज्ड बाय द ऑडिटर टू रिफ्लेक्ट द पर्टिकुलर एंगेजमेंट सर्कमस्टांसेस ये क्या है अभी हम एसे 230 या चैप्टर 6 पढ़ने वाले हैं तो डॉक्यूमेंटेशन में हमने पढ़ा है कि सारी चीजों का डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए ठीक है वहां पर ऑडिट प्लान का भी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो ऑडिट प्लान का डॉक्यूमेंटेशन करना है पर्पस क्या होगा तो आपको पता है डॉक्यूमेंटेशन का पर्पस क्या है अभी पढ़ेंगे हम चलो इसको छोड़ रहा हूं अभी पढ़ेंगे वहां पर कवर होगा नेक्स्ट व्हाइल डेवलपिंग एन ऑडिट प्रोग्राम The auditor may conclude that relying on certain internal controls is an effective and efficient way to conduct his audit. Explain stating clearly the points to be kept in mind while developing an audit program. बच्चों इसमें एक डिस्कशन हुआ है इंटरनल कंट्रोल का और बाकी बोला कि ऑडिट प्रोग्राम बनाते समय क्या बातें दिमाग में रखोगे वो बातें तो आपको पता है रिटर्न स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर स्पेसिफिक ऑडिट एविडेंस एक्सपर्ट का काम कोऑर्डिनेशन ये सब बात कर ली ठीक है अभी एक पॉइंट इंटरनल कंट्रोल का डाल दिया तो क्या वो एवे ही डाल दिया नहीं उसको भी कवर करना पड़ेगा तो हम यहाँ पर एक पॉइंट अलग से बनाएंगे कि सर ऑडिटर टू डिटरमाइन वेदर दे वॉन्ट्स टू रिलाई ऑन द इंटरनल कंट्रोल और नॉट अगर हम इंटरनल कंट्रोल पर रिलाई करते हैं तो हमारा एनटी कम होता है कि ज्यादा अगर मैं कंपनी के इंटरनल कंट्रोल पर रिलाई करना चाहता हूं तो एनटी कम होगा कि ज्यादा कम मेरे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का एनटी कम हो जाएगा तो ये एक पॉइंट आपको यहां पर लिखना पड़ेगा कि बेस्ड ऑन द इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल इफ ऑडिटर वांट्स टू रिलाई on the internal control then NTE of further audit procedure will be decided accordingly हर information काम की है हर रंग कुछ कहता है आपको तो पता ही है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं last वाला question पढ़ो बच्चों planning an audit involves establishing the overall audit strategy for the engagement and developing an audit plan Adequate planning benefits the audit of financial statements in several ways. Explain such benefit of planning in audit of
प्लानिंग के बेनिफिट बताने हैं। हमने सबसे पहला डिस्कशन यही करा था, असिस्ट करेगा ऑडिटर को इफेक्टिव में, इंपॉर्टेंट एरियाज के लिए पोटेंशियल एरर्स को पहले ढूंढने में, सुपरवाइज करने में, गाइड करने में, ये सब चीजें हमारे बेनिफिट हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर बच्चों। एग्जॉस्टिवली हमने सारे क्वेश्चन भी देख लिए हैं और कुछ भी इस चैप्टर में नहीं बचा है। ये नोट्स मैं आपको शेयर करूंगा। डू वेरी गुड प्रिपरेशन ऑफ दिस चैप्टर और अब हम इनका टेस्ट भी प्लान करेंगे। अब आते हैं बच्चों हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, आज के चैप्टर नंबर 6, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। बच्चों ये चैप्टर का वेटेज अलग से सिंगल चैप्टर वाइज नहीं है विद चैप्टर 4। चैप्टर 4 क्या है बच्चों? ऑडिट एविडेंस, सबसे बड़ा वाला चैप्टर अपना, 500 सीरीज वाला, बहुत बड़ा, उस चैप्टर के साथ कंबाइंड करके 12-18% इस चैप्टर का वेटेज है। तो एक क्वेश्चन यहां से 4 मार्क्स का आने के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे चांस हो सकते हैं। चलिए ये बहुत आसान सा क्विकली इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहला, व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? सर इट्स ए रिकॉर्ड्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन एंड कंक्लूजन रीच्ड देयर ऑन, उसे हम कहते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। सर इसके एग्जांपल? चलिए ये एग्जांपल है ऑडिट प्रोग्राम, वेरियस एनालिसिस, ऑडिट प्लान, इश्यू मेमोरेंडा, सिग्निफिकेंट मैटर, चेकलिस्ट, एक्सटर्नल कंफर्मेशन एंड ऑल द करस्पॉन्डेंस विद मैनेजमेंट। डन, ये तो आसान। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? गिव एग्जांपल ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। नेक्स्ट, अब बच्चों मैंने एक हेडिंग में 3 चीजें लिखी है, मेन ऑब्जेक्टिव, पर्पस एंड नेचर। किस चीज का? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पर्पस, बेनिफिट, ऑब्जेक्टिव या नेचर, सब बात कुछ भी पूछें मैं तो यही लिखने वाला हूं। सर क्या है वो? सर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड अस दीज टू मेन पर्पस, दीज टू मेन ऑब्जेक्टिव। क्या? पहला, इट गिव्स बेसिस फॉर ऑडिट ओपिनियन, ये अपना कोर ऑब्जेक्टिव, दिस गिव्स बेसिस फॉर ऑडिट ओपिनियन। दूसरा, इट इज एन एविडेंस दैट ऑडिट हैज बीन प्लान्ड एंड परफॉर्म इन अकॉर्डेंस विद एसेस, बराबर है। तो ये 2 बहुत अच्छे से याद रखें, मैंने लिखा है ये है कोर पर्पस या मेन ऑब्जेक्टिव या मेन बेनिफिट। अगर आपको पूछें व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, तो आप पहले ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक्सप्लेन कीजिए क्या होता है, फिर बताइए सर ये इस नेचर, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए किया जाता है, क्योंकि अलग से कोई नेचर नहीं है बच्चों, ठीक है। तो मैंने इसलिए ये हेडिंग में कवर किया है, मैंने कवर किया है मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन में इसका रेफरेंस होगा। तो नेचर, ऑब्जेक्टिव याद रखिए। अब अदर पर्पस, सर कुछ और फायदे भी हैं, मतलब आम के आम गुठली के दाम, ये 2 तो मेन थे, सर कुछ एक्स्ट्रा भी बेनिफिट हैं। क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट है? पहला, सर इट असिस्ट एंगेजमेंट टीम टू प्लान एंड परफॉर्म, इट असिस्ट एंगेजमेंट टीम मेंबर फॉर डायरेक्शन एंड सुपरविजन। सर अकाउंटेबल बनाता है, फ्यूचर बेनिफिट इसके होंगे, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू में हेल्प करेगा, कोई एक्सटर्नल इंस्पेक्शन होगा तो वहां भी इसकी जरूरत होगी। क्लियर है ये? दीज आर द अदर पर्पस और बेनिफिट। नाउ फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। बच्चों ये जो सेंटेंस पहले मैंने येलो में किया है इसको पढ़ना है, ये सेंटेंस लिख के हमको बोलेंगे एक्सप्लेन, ठीक है। तो सेंटेंस पढ़ते हैं, ऑडिटर शैल प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इन सच मैनर दैट एन एक्सपीरियंस ऑडिटर नॉट हैविंग एनी प्रीवियस कनेक्शन कैन अंडरस्टैंड। क्या अंडरस्टैंड करे वो आपको क्वेश्चन में फिर पूछेंगे वो, What are the aspect to document? तो हम सर ये चीजें डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं। पहला सर, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की डेफिनेशन से ही रिकॉल करो, सर मैं जो ऑडिट प्रोसीजर लगाता हूं उनको डॉक्यूमेंट करता हूं, सर जो कंक्लूजन आते हैं उनको डॉक्यूमेंट करता हूं, यही लिखा है। देखो, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एंड ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन एंड सिग्निफिकेंट मैटर अराइज। तो ये सेंटेंस लिख के अगर हमको बोले व्हाट आर द एस्पेक्ट ऑडिटर शुड डॉक्यूमेंट, तो ये 3 चीजें। पहला सर, एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म,
सर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर या ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एंड ऑल द सिग्निफिकेंट मैटर आइडेंटिफाइड इन ऑडिट, ये तीनों हमें डॉक्यूमेंट करने हैं। अब इन तीनों का थोड़ा थोड़ा कॉमेंट्री और है, यानी थोड़ा एडिशनल पॉइंट और है। जैसे सर एनटीई के रेस्पेक्ट में बात करें, ऑडिटर शैल ऑल्सो डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक आइटम और मैटर टेस्टेड। हम जब हमारा ऑडिट का डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, सपोज हमने सेल्स में कोई 100 इनवॉइस चेक करें, तो हम उन 100 इनवॉइसेस का नंबर लिखेंगे ना अपनी शीट में कि सर मैंने 10वें नंबर का देखा, फिर 110 देखा, फिर 118 देखा, फिर 200 देखा, वो नंबर। सो स्पेसिफिक आइटम्स और मैटर टेस्टेड। दूसरा, हु परफॉर्म डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ दैट वर्क, किसने परफॉर्म किया, कब कंप्लीट हुआ, हु रिव्यूड द वर्क, किसने रिव्यू किया। आसान है। तो सर इन रेस्पेक्ट ऑफ एनटीई हमने थोड़ा इलाबोरेट किया, सर स्पेसिफिक मैटर टेस्टेड, हु परफॉर्म्ड, व्हेन कंप्लीटेड, हु रिव्यूड, व्हेन डन, ये लिख दिया। चलिए नेक्स्ट, ऑडिटर टू डॉक्यूमेंट। अब सिग्निफिकेंट मैटर के बारे में कुछ डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। सर ऑडिटर टू डॉक्यूमेंट डिस्कशन रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट मैटर, क्या उसमें डॉक्यूमेंट करना है, वो मैटर क्या था, सर किसके साथ डिस्कस हुआ, कब डिस्कस हुआ, किसके साथ वो मैटर क्या था, किसके साथ डिस्कस हुआ, कब डिस्कस हुआ, ठीक है। एंड लास्ट, इनकंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन, ऑडिटर को डॉक्यूमेंट करना है हाउ ही एड्रेस द इनकंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंक्लूजन। हो सकता है ना कुछ ऐसे मिस स्टेटमेंट हो जो मैनेजमेंट करेक्ट ना करे, तब हम क्या कर रहे हैं, उसके कारण से ओपिनियन हमारी चेंज कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं, मतलब वो मटेरियल नहीं होगा, मैनेजमेंट से लिखवा के रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिया होगा कि इट इज नॉट मटेरियल। तो व्हाट आर द इनकंसिस्टेंसीज एंड हाउ ऑडिटर एड्रेस। तो बच्चों ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार करना है, हमें दो तरह से पूछा जा सकता है, फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि क्या डॉक्यूमेंट करना है, इसके बाद आपको लिखें व्हाट आर द एस्पेक्ट ऑडिटर टू डॉक्यूमेंट, या ये सेंटेंस लिख दें ऑडिटर शैल प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इन सच मैनर दैट एन एक्सपीरियंस ऑडिटर नॉट हैविंग प्रीवियस कनेक्शन विद ऑडिट कैन अंडरस्टैंड, क्या समझ जाए वो। पहला सर ऑडिट प्रोसीजर क्या लगाए उनका, एनटी, रिजल्ट क्या है, एविडेंस और सिग्निफिकेंट मैटर, फिर इन्हें इलाबोरेट किया, सर ऑडिट प्रोसीजर किसने परफॉर्म किया, कब किया, क्या एविडेंस मिले, किसने रिव्यू किया, सिग्निफिकेंट मैटर के बारे में किससे डिस्कस हुआ, कब हुआ, और इनकंसिस्टेंसीज आइडेंटिफाइड हाउ यू एड्रेस। ये बच्चों बात है कि व्हाट वी नीड टू डॉक्यूमेंट, व्हाट वी नीड टू डॉक्यूमेंट। कोई केस लॉ बना के दे दें कि एंगेजमेंट टीम में एक चुन्नू है, उसने एंगेजमेंट पार्टनर को पूछा सर व्हाट आर द एस्पेक्ट टू डॉक्यूमेंट, तो ये चीज है। क्लियर है सबको, पक्का, चलो आगे। दूसरा क्वेश्चन यहां पर जो बनता है, मैटर्स अफेक्टिंग फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट, सर कितना डॉक्यूमेंट करें, क्वांटम, एक्सटेंट, वो किन चीजों से अफेक्ट होगा। तो जहां भी फैक्टर की बात आ रही है, दो रेड ग्रेवी वाले पॉइंट, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी और आरएमएम, पक्का, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी एंड आरएमएम। बाकी सर नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, सर कहीं पर ऐसा डिटेल्ड प्रोसीजर लगा है तो ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन होगा, कहीं पर छोटा सा प्रोसीजर लगा कम डॉक्यूमेंटेशन होगा। सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस, सर ऑडिट एविडेंस किसी एरिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण था ये वाला, तो उससे रिलेटेड थोड़े ज्यादा पेपर होंगे। देन नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शन, कहीं पर बहुत ज्यादा गलतियां मिली, एक्सेप्शन मतलब एनोमलीज, गलतियां मिली आपको, एनोमली नहीं, गलतियां मिली आपको। सो इफ देर आर मोर एक्सेप्शन, मोर वर्क, मोर डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट मेथडोलॉजी एंड टूल्स यूज, अगर आप कोई टूल या मेथोडोलॉजी यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका डॉक्यूमेंटेशन अफेक्ट होगा। दोनों एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा बार पूछा हुआ क्वेश्चन, मैटर्स अफेक्टिंग फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। क्लियर है ये, चलें आगे। कुछ छोटे छोटे पॉइंट क्विकली इनको गो थ्रू कर रहा हूं। पहला, सर टाइमली प्रिपेयर कर लेना चाहिए, टाइमली प्रिपेयर का मतलब इन द कोर्स ऑफ
ऑडिट, दूसरा असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल कब कर लेना चाहिए, विद इन मैक्सिमम 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. रिटेंशन मिनिमम 7 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. ओनरशिप ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एज पर SQC 1 द ऑडिट डॉक्यूमेंट्स आर प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर, सो ओनरशिप विद अस. इससे रिलेटेड बाकी सारी बातें हम कर चुके हैं, बहुत अच्छे से आपको पता है. लास्ट टॉपिक एक इंपॉर्टेंट पर आएंगे, ऑडिट फाइल और असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल. तो सबसे पहला तो ऑडिट फाइल का मतलब क्या है. सर ऑडिट फाइल मीन्स वन और मोर फोल्डर और स्टोरेज मीडिया कंटेन द रिकॉर्ड्स, कंटेनिंग द रिकॉर्ड्स ईदर इन फिजिकल फॉर्म ईदर इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म. किस चीज के फॉर ए स्पेसिफिक ऑडिट एंगेजमेंट. तो पहले तो ऑडिट फाइल की डेफिनेशन, ऑडिट फाइल की डेफिनेशन क्या है. सर ये एक या एक से ज्यादा फोल्डर हैं या स्टोरेज मीडिया है. फिर सर इसके अंदर क्या है, कंटेनिंग रिकॉर्ड इधर फिजिकल इधर इलेक्ट्रॉनिक. किस चीज से रिलेटेड, फॉर ए पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट. ये हो गया ऑडिट फाइल. अब असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल का मतलब क्या होता है बच्चों. असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस. सही था, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है. क्या करते हैं हम यहाँ पर, क्या हम कोई ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं. नो, नो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर टू बी अप्लाइड वाइल डूइंग असेंबली. फिर क्या करते हैं, बट सर्टेन चेंजेस इन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर कैन बी मेड. वो क्या हो सकते हैं सर, डिलीट करना, सुपरसीड करना, सॉर्टिंग करना, क्रॉस रेफरेंसिंग करना, कॉलेटिंग करना, ये सब हो सकते हैं. यस, और क्या हो सकते हैं सर, हम एंगेजमेंट टीम के डिस्कशन को डॉक्यूमेंट कर सकते हैं एविडेंस के लिए. तो पढ़ लेते हैं बच्चों, असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस टू कंप्लीट मैक्सिमम विद इन 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. नो ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म एट दिस टाइम. चेंजेस इन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर कैन बी मेड. क्या क्या, डिलीटिंग, डिस्कार्डिंग, सुपरसीडिंग, सोर्टिंग, कलेक्टिंग, क्रॉस रेफरेंसिंग, साइन ऑफ द चेकलिस्ट एंड डॉक्यूमेंटिंग ऑडिट एविडेंस डिस्कस्ड एंड अग्रीड बिटवीन ऑडिट टीम मेंबर. बच्चों ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है. असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल के समय डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, 4.4 मार्क्स दिला सकते हैं. चारों पॉइंट याद रखेंगे. पहला है डिलीट और डिस्कार्ड सुपरसीड से. सर क्रॉस रेफरेंसिंग, कॉलेटिंग, नंबरिंग, ये सब हो सकता है. सर एंगेजमेंट टीम के डिस्कशन को हम डॉक्यूमेंट कर सकते हैं और चेकलिस्ट को साइन ऑफ कर सकते हैं. दैट्स इट. अब बच्चों ये दो क्वेश्चन थोड़े ऑफ बिट, वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरा एक और टॉपिक उसको भी लिख रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट. इस अटेम्प्ट में इन दोनों में से किसी एक के आने के बहुत सारे चांसेस, क्योंकि बाकी ऊपर जो हमने टॉपिक डिस्कस किए इन्हीं में से कुछ पूछा गया है May 24 में. तो ये जो दो टॉपिक इनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट. सर सुपर सीड का मतलब क्या होता है, मतलब पुराने वाले को डिलीट कर देना, उसके ऊपर नया वाला रख लेना. कभी आप एक ही फाइल को कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो वहां पे वो पूछता है दिस इज ऑलरेडी एग्जिस्ट वेदर यू वॉन्ट टू सुपरसीड. हम बोलते हैं यस, तो पुरानी फाइल के ऊपर नई वाली फाइल आ जाती है, पुरानी वाली डिलीट हो जाती है. तो सुपरसीड मतलब पुराने को डिलीट करना, नए वाले को रखना. नाउ डॉक्यूमेंटिंग सिग्निफिकेंट मैटर. बच्चों दो चीजों का डॉक्यूमेंटेशन अलग से बताया गया, अलग से, एक सिग्निफिकेंट मैटर और एक प्रोफेशनल जजमेंट. सिग्निफिकेंट मैटर और प्रोफेशनल जजमेंट. तो सर सिग्निफिकेंट मैटर को हमें डॉक्यूमेंट करना चाहिए. यस सर करना चाहिए. गिव एग्जांपल ऑफ सम सिग्निफिकेंट मैटर और क्या डॉक्यूमेंट करना है, चलो बात करते हैं. एग्जांपल ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर, जैसे पहला सर रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर which results into that conclusion that financial statement are materially misstated. बताओ इसे document करोगे? आप audit कर रहे थे, audit में आपको एक बहुत बड़ा misstatement मिला. जैसे ही वो मिला आपने बोला वाह मजा आ गया, अब तो इसको adverse opinion देंगे.
क्या ये एक सिग्निफिकेंट मैटर है? यस. क्या इसे डॉक्यूमेंट करेंगे? यस. तो हमें अलग से हेडिंग बनाया, डॉक्यूमेंटिंग सिग्निफिकेंट मैटर. तो अगर हमें पूछे कि सर गिव एग्जांपल ऑफ सच सिग्निफिकेंट मैटर, तो हम वो एग्जांपल पढ़ रहे हैं. पहला हमने बोला सर रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर विथ रिजल्ट्स इनटू, पहला फाइनेंशियल मटेरियल मे बी मिसस्टेटेड, हमें इस कॉन्क्लूजन पे पहुंचा रहे हैं, या विथ रिजल्ट्स इनटू रिवीजन इन द आरएमएम. सर पहले जब मैंने प्लानिंग की थी, स्ट्रेटेजी बनाई थी, तो डिसाइड किया था आरएमएम इज मॉडरेट, और सर अभी देख रहा हूं पूरी दाल काली, जिधर हाथ डालो गलती. तो मैंने बोला नहीं, आरएमएम इज हाई. तो ये ऐसी फाइंडिंग, ऐसा कंक्लूजन है सिग्निफिकेंट मैटर. तो ये दो हमने एग्जांपल पढ़े रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर के, जिसमें हमने बोला सर हमें ऐसे ऑडिट एविडेंस मिले जिससे हमने बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड है. सर हमें ऑडिट प्रोसीजर लगाने से ऐसे एविडेंस मिले जिससे हमने कहा कि आरएमएम पहले जो डिसाइड किया था वो चेंज करना है. Both are example of significant matter. Next point, circumstances. कौन सी circumstances? Sir, significant difficulties in audit. ये भी एक significant matter है. बच्चों इसे याद रखेगा, ये दो तीन जगह जिक्र आया इसका. Significant difficulties कहाँ आया था सर और जिक्र बताओ? सर SA-260 कम्युनिकेशन टू TCWG, जहां जहां सिग्निफिकेंट वर्ड आ जाए याद करो. अरे ये तो मुकेश अंबानी जी को बताने वाली बात है, करेक्ट? जहां जहां सिग्निफिकेंट, क्योंकि छोटी मोटी बात तो करेंगे ही नहीं उनसे अपन, करेक्ट? सो सर्कमस्टांसेस सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज इन ऑडिट, ऑल द सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज इन ऑडिट आर सिग्निफिकेंट मैटर, उन्हें डॉक्यूमेंट करना चाहिए. नेक्स्ट, फाइंडिंग विच रिजल्ट्स इनटू मॉडिफिकेशन और ईओएम पैरा. ईओएम यानी एम्फेसिस ऑन मैटर पैरा. अगर हमें कोई ऐसी फाइंडिंग मिली जिससे या तो अब आप ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करने वाले हैं या फिर एम्फेसिस ऑन मैटर पैरा देने वाले हैं, देन अगेन इट इज ए सिग्निफिकेंट मैटर. तो बच्चों क्या क्वेश्चन है हमारा? गिव एग्जांपल ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर विच ऑडिटर नीड्स टू डॉक्यूमेंट. तो पहला बोला सर रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर विच रिजल्टिंग इनटू conclusion that financial statement are materially misstated or results into revision of RMM. दूसरा बोला significant difficulties. तीसरा क्या बोला? Finding which results into modification or EOM. याद रहेगा ये, मैं आपको बोल रहा हूँ मेरे लिए ये exam का very very important question है, जो मुझे लगता है इस attempt में पूछा जा सकता है. Next, डॉक्यूमेंटिंग प्रोफेशनल जजमेंट. बच्चों ड्यूरिंग द ऑडिट हम बहुत सारे जजमेंट लेते हैं, उन सभी को हम कहते हैं प्रोफेशनल जजमेंट. अब बात हो रही है डॉक्यूमेंटिंग प्रोफेशनल जजमेंट, तो इसके भी एग्जांपल पढ़ रहे हैं. वेयर मैटर्स एंड जजमेंट आर सिग्निफिकेंट, हम उन्हें डॉक्यूमेंट करेंगे. इसके लिए हमारे पास तीन एग्जाम्पल हैं. पहला, सर देर आर सर्टेन रेशनल फॉर ऑडिटर कंक्लूजन when auditor shall consider certain information. जरा example बताओ यार इसका, मैं पढ़ा चुका हूं, क्या example होगा इसका? Rational for auditor conclusion when auditor shall consider certain information. हाँ बेटा जोर से बोलो. इंक्वायरी. अच्छा नहीं, और कौन सी इंक्वायरी? हाँ अभी सही हुआ, इंक्वायरी अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1. अब तो ये आपको विजय सर ने भी पढ़ा दिया होगा, पढ़ा दिया ना इंक्वायरी. हमने पढ़ा था SBI DPS, कोई सिक्योरिटी के बदले लोन दिया तो सिक्योरिटी एडिक्वेट है या नहीं, ऐसा सब पढ़ा था. बुक एंट्री के द्वारा ट्रांजेक्शन हुआ है प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी तो नहीं है, एक कंपनी अदर देन इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग कंपनी अपने शेयर परचेस प्राइस से कम पर तो नहीं बेचे हैं, और क्या था SBI डी, कोई डिपॉजिट को, कोई लोन और एडवांसेस को डिपॉजिट तो नहीं दिखा दिया, पर्सनल एक्सपेंसेस रेवेन्यू में चार्ज तो नहीं हो गए, और शेयर अगर कैश के बदले इशू है तो कैश आया है कि नहीं आया है,
इन सब मुद्दों पर ऑडिटर को इंक्वायरी करनी होती है, और सिर्फ अगर कोई एडवर्स पॉइंट है तो रिपोर्ट करना होता है, वरना रिपोर्ट नहीं करना होता है। तो क्या ये इंक्वायरी करना कंपलसरी है? यस, 143(1) में लिखा है। तो देयर आर सर्टेन रिक्वायरमेंट ऑडिटर शेल कंसिडर, उसको लेकर अगर मैंने कुछ कॉन्क्लूजन निकाले हैं, क्या मुझे वो डॉक्यूमेंट करना चाहिए? यस yes. तो पहला पॉइंट, रेशनल फॉर ऑडिटर कॉन्क्लूजन। मान लो हमने ये 143(1) की इंक्वायरी की, उसके बेस पर हमने बोला कंपनी हैज नॉट गिवन एडवांसेस अगेंस्ट द एडिक्वेट सिक्योरिटी। हमने बोला ऐसा, नॉट एडवर्स कमेंट किया, तो भैया ऐसे ही कर देंगे क्या एडवर्स कमेंट? नहीं, उसके पीछे कोई रेशनल होगा। हम बताएंगे कि सर कंपनी ने एक एक्टिवा ले लिया और सिक्योरिटी में और 1 करोड़ का लोन दे दिया, एज पर मी इट इज ए इनएडिक्वेट सिक्योरिटी, ये यहां पर डॉक्यूमेंट होगा। सो रेशनल फॉर ऑडिटर कॉन्क्लूजन व्हेन ऑडिटर शैल कंसिडर सर्टेन इंफॉर्मेशन। दूसरा पॉइंट, बेसिस फॉर ऑडिटर कॉन्क्लूजन रिगार्डिंग रीजनेबलनेस ऑफ सब्जेक्टिव एरियाज। एग्जाम्पल लिखते हैं इसका भी, मैंने आपको इन सब के एग्जाम्पल लिखवाए हुए हैं, जैसे वारंटी का प्रोविजन। सर कंपनी ने वारंटी का प्रोविजन बनाया है, अब मुझे देखना है क्या वो रीजनेबल है, क्या वो सही है। सर कंपनी ने पेंडिंग लिटिगेशन के लिए प्रोविजन बनाया है, मुझे देखना है क्या वो एडिक्वेट है, सही है, कि ज्यादा बनना चाहिए या कम बनना चाहिए। तो मैं कुछ जजमेंट लूंगा बेस्ड ऑन सर्टेन प्रोसीजर, उन चीजों को बेसिस फॉर दैट कंक्लूजन आई नीड टू डॉक्यूमेंट। जैसे हो सकता है मैंने लॉयर से बात की, लॉयर्स के साथ जो डिस्कशन हुआ वो डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, ये हमारा पॉइंट है। तो सेकंड इज बेसिस फॉर ऑडिटर कॉन्क्लूजन रिगार्डिंग रीजनेबलनेस ऑफ सब्जेक्टिव एरिया। सब्जेक्टिव एरिया के 2 एग्जांपल दिए आपको, प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर पेंडिंग लिटिगेशन। थर्ड, बेसिस फॉर ऑडिटर्स कॉन्क्लूजन रिगार्डिंग ऑथेंटिसिटी ऑफ ए डॉक्यूमेंटेशन, लाइक यूज ऑफ एक्सपर्ट किया हमने। सर हमें एक डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी पर डाउट है, तो हमने उसके लिए कुछ एडिशनल प्रोसीजर लगाए, एक्सपर्ट को इन्वॉल्व किया, इस बात को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। तो बच्चों सिग्निफिकेंट जजमेंट के डॉक्यूमेंट के 3 पॉइंट, पहला सर रेशनल फॉर ऑडिटर्स जजमेंट जब किसी रिक्वायरमेंट को कंसिडर करना ही हो, दूसरा सर हमें जब रीजनेबलनेस देखना हो, एडिक्वेसी देखना हो किस चीज की, फॉर ए सब्जेक्टिव एरिया उससे रिलेटेड जजमेंट जो लिए कॉन्क्लूजन के वो, तीसरा सर हमने कॉन्क्लूजन लिया किस बारे में, ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट या यूज ऑफ एक्सपर्ट। तो 3 तरह के कॉन्क्लूजन, कॉन्क्लूजन कोई जजमेंट बोलते हैं हमारा जजमेंट, तो 3 तरह के जजमेंट डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। कौन कौन से जजमेंट डॉक्यूमेंट कर रहे हैं? सर व्हेन ए रिक्वायरमेंट शैल बी कंसिडर्ड बाय ऑडिटर, दूसरा रीजनेबलनेस ऑफ सब्जेक्टिव एरिया, तीसरा यूज ऑफ एक्सपर्ट या ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दोनों बच्चों बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। छोटा सा एक टॉपिक है लास्ट में, कंप्लीशन मेमोरेंडम या डॉक्यूमेंट समरी। सर क्या होता है कंप्लीशन मेमोरेंडम? जैसा इसका नाम है सर, हम इसके अंदर एट द टाइम ऑफ कंक्लूजन ऑफ ऑडिट समरी लिखना चाहते हैं। किन चीजों की समरी? सर समरी तो इंपॉर्टेंट चीजों को ही लिखेंगे, यानी सिग्निफिकेंट मैटर्स की। तो समरी ऑफ डॉक्यूमेंट जिसमें हम डिस्क्राइब करेंगे सिग्निफिकेंट मैटर आइडेंटिफाइड एंड हाउ दे वर एड्रेस्ड। क्या फायदा होगा इसका? सर इट हेल्प्स इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रिव्यू, कंसीडरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर और टू कंसीडर वेदर ऑब्जेक्टिव ऑफ एसेस अचीव्ड और नॉट। तो बच्चों कंप्लीशन मेमोरेंडम क्या है, उसके 3 बेनिफिट हमने पढ़ लिए। फटाफट आते हैं एग्जाम के क्वेश्चंस पर, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 1। The auditor shall assemble the audit documentation in the audit file and complete the administrative process of assembling the final audit file before the date of auditor's report.
ट्रू और फॉल्स? कितने दिन में करना है? 7 साल में? 7 साल में नहीं, नहीं, मैक्सिमम 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. नेक्स्ट, CAM CAM इज द एंगेजमेंट पार्टनर ऑफ एस लिमिटेड. ही हैज इंस्ट्रक्टेड हिज ऑडिट टीम टू मेंटेन प्रॉपर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. द ऑडिट टीम मेंबर्स आर नॉट श्योर अबाउट द पर्पस फॉर विच द डॉक्यूमेंटेशन शुड बी मेड. एक्सप्लेन द वेरियस पर्पजेस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन विद रेफरेंस टू SA 230. पहले दो लिखना है फिर बाकी भी लिखना है. बोला है वेरियस पर्पजेस, तो पहले दो मेन क्या थे हमारे? सर इट गिव्स बेसिस फॉर ऑडिट ओपिनियन. दूसरा, इट्स एन एविडेंस दैट ऑडिट हैज बीन प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद SAs एंड लॉ एंड रेगुलेशंस. फिर वो सारे असिस्ट 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 असिस्ट. चलिए नेक्स्ट, July 21 का क्वेश्चन. Documentation of audit plan serves as a record of the planned nature, timing and extent of risk assessment procedure and further audit procedure at the assertion level in the response of the assessed risk. क्या खूब कहा है कवि ने, पढ़ो पढ़ो, क्या खूब कहा है कवि ने यहां तो. फिर आगे की बात है मेन तो यार. वॉट ऑल एक्टिविटीज इन द प्लानिंग फेज शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द ऑडिटर्स डॉक्यूमेंटेशन स्टेट विद एग्जांपल. सर ये क्वेश्चन अभी पहले वाले चैप्टर का है कि इधर का है? सर उधर का है कि इधर का है? सर ये दोनों का है. सर उधर पढ़ा कि क्या होता है प्लानिंग में, एनटी ऑफ रेफ, एनटी ऑफ रेप एंड अदर प्रोसीजर गिवन बाय SAs. सर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? सर इन तीनों का ही तो होता है. बराबर क्या बच्चों? तो वहां से रेफरेंस लेंगे SA 300 में. व्हाइल प्लानिंग दीज थ्री एक्टिविटीज टू बी डन एज पर SA 230 ऑडिटर टू डॉक्यूमेंट दीज. ये हो गया आंसर. डाउट है बच्चा? चले नेक्स्ट, May 23 का क्वेश्चन. बच्चों ये है तो ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन, पर बड़ा कंसेप्चुअल है इसलिए मैंने रखा है. और ये उधर का है, पढ़ो जरा एक बार दोनों की ब्लेंडिंग वाला. जिसको स्ट्रेटेजी का मतलब पता होगा ना वही ये समझ पाएगा. भले है लिखा हुआ डॉक्यूमेंटेशन, पढ़ो जल्दी से. The documentation of the overall audit strategy is a record of the audit evidence considered necessary to properly plan the audit and to assign various audit functions to the engagement team. True or false? Tell me. False. Kirtan. False. Kyun false? Aise bola isliye. Haan beta. यस बच्चा, ट्रू और फॉल्स? यस रोहित, ट्रू और फॉल्स? ट्रू. खुश? हाँ बेटा, फॉल्स लग रहा है. क्यों फॉल्स है? यस, दिस इज ऑडिट प्लान नॉट द स्ट्रेटेजी. ऑडिट स्ट्रेटेजी में तो STD की बात हो जाती है यार. सिर्फ अपन डिटेल में कहां ये बात करेंगे. सो द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट इज रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट एविडेंस कंसीडर्ड नेसेसरी. ये बात तो प्लान में होनी चाहिए, और डिटेल में जाए तो प्रोग्राम में होती है, बट नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी. सो दिस इज फॉल्स. चलिए अब कुछ क्वेश्चन. बहुत बढ़िया क्वेश्चन RTP से. द ऑडिटर शेल असेंबल द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इन एन ऑडिट फाइल एंड complete the administrative process of assembling the final audit file on a timely basis. Explain in detail. लिखना क्या है सर इसमें? ट्रू और फॉल्स तो नहीं है, क्या लिखेंगे 4 marks के लिए? टेल मी.
बच्चों यहां पर सारी चीजों का जिक्र कीजिए, पहले कीजिए ऐसे 230 के बेसिस पर बात कि सर असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है टू बी कंप्लीट विद इन मैक्सिमम 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। फिर हम बताएंगे सर असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल में क्या कर सकते हैं चेंजेस इन द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, बिकॉज आपके पास उतना ही टॉपिक है, वो सब लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रेफर टू द रिकॉर्ड ऑफ 3 आइटम्स, एक्सप्लेन स्टेटिंग क्लियरली द ऑब्जेक्टिव एंड नेचर ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। पहले क्या पूछा है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रेफर टू रिकॉर्ड ऑफ 3 आइटम्स, वो 3 आइटम्स बताना पड़ेंगे, फिर बताएंगे नेचर और ऑब्जेक्टिव। तो वो दो मेन बात जो है वो है हमारी नेचर ऑब्जेक्टिव। बच्चों वेरियस पर्पजेस पूछा तो मैंने बोला सब लिखो, जब आपको पूछ रहे हैं यहां पर ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव तो वो दो ही है मेन। क्लियर है, डिफरेंस समझ में आ रहा है, ऑब्जेक्टिव वो दो ही है। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रेफर्स टू द रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन एंड कंक्लूजन रीच देयर ऑन, ये तीन चीजों के हो गई। फिर हम बात करेंगे इट इज द टू ऑब्जेक्टिव इज, पहला गिव्स बेसिस फॉर ऑडिट ओपिनियन, दूसरा एविडेंस दैट ऑडिट हैज बीन प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद एसेज एंड लॉ एंड रेगुलेशन। द फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंट डिपेंड्स ऑन सर्टेन फैक्टर्स, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू एसेट 230। बच्चों फैक्टर्स पूछे हैं, हाँ दो तो हमको याद है, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी और RMM, बाकी चीजें नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, टूल्स मेथोडोलॉजी यूज, एक्सेप्शन आइडेंटिफाइड, RMM वो तो आपने बता दिया। तो ये हो गए बच्चों ताजा ताजा क्वेश्चन May 24 से, बताओ यस बताता हूं अभिषेक। CAB एन ऑडिटर पर इतना सा लिखना है क्या, नहीं तो हम SQC, बच्चों ये 60 डेज की बात, ये 60 डेज की बात SQC ने बोली है, ना कि ऐसे 230 ने। ऐसे 230 तो बोलता है असेंबली कर लीजिए, उसका रूल जैसे अपना एक्ट और रूल होते हैं ना वैसा, उसका रूल जो बताया गया वो SQC ने बताया। तो यहां पर जो इन्होंने सारी बातें लिखी है कि वो 4 साल तक कर सकते हैं ऐसा वैसा, सबको कॉन्ट्राडिक्ट करना है। आप बोलेंगे पहले असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल इतने दिन में करना है, SQC बोलता है मैक्सिमम 60 डेज में करना है, ये ऑब्जर्वेशन गलत है, ये सारी बातें आपको लिखना पड़ेगी। 3 मार्क्स का क्वेश्चन छोटा सा। अभिषेक ये जो क्वेश्चन डिस्कस किया इसी में बेटा SQC और 230 दोनों का रेफरेंस आता है। अब पढ़ो ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पर फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ 230 और SQC दोनों लगाना है। पढ़िए, TRS एंड एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैविंग completed the audit of Genuine Leathers Limited has started the assembling of final audit file. TRS and associate has established policy and procedure for timely completion of the assembly of audit file. जैसे ही बच्चों ये बात आए पॉलिसी और प्रोसीजर बनाया है, मन में SQC का लड्डू फूटना चाहिए। पॉलिसी प्रोसीजर SQC की बात है, ठीक है। नेक्स्ट, Explain the various aspects related to final audit file discussed in SA 230 while giving a specific reference to SQC wherever required. तो पहले SA 230 की बात करते हैं, क्या है सर SA 230 ने बताया कि ऑडिट फाइल का असेंबली करना चाहिए असेंबली, फिर SQC ने बोला मैक्सिमम 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ होना चाहिए, फिर बोलो सर इसमें ये चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि इतना ही है असेंबली में, पर बात यह है दोनों की ब्लेंडिंग। अब यहां SQC का एक पॉइंट और बोल रहा हूं, सर SQC के अकॉर्डिंग हर चीज की पॉलिसी प्रोसीजर बनाना है, तो हम लिखेंगे एज पर SQC
फॉर्म टू प्रिपेयर और मेक द पॉलिसी एंड प्रोसीजर रिलेटिंग टू असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल, रिलेटिंग टू रिटेंशन ऑफ ऑडिट फाइल, 7 ईयर मिनिमम फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, वो भी यहाँ पर लिखना है। तो एसक्यूसी के 2 पॉइंट, 60 दिन वाला, पॉलिसी प्रोसीजर वाला, और तीसरा पॉइंट मिनिमम 7 ईयर रिटेंशन वाला। बच्चों लिखो ना यार कहीं पे, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड 3 पॉइंट एसक्यूसी के लिखो। पहला पॉइंट सर पॉलिसी प्रोसीजर बनाना है फॉर असेंबली एंड रिटेंशन, एसक्यूसी का पहला पॉइंट। रोहित लिखो एसक्यूसी का पहला पॉइंट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, क्या पॉलिसी प्रोसीजर टू प्रिपेयर रिगार्डिंग रिटेंशन रिगार्डिंग असेंबली। दूसरा पॉइंट एसक्यूसी 1 कहता है सर असेंबली टू बी इन मैक्सिमम 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तीसरा पॉइंट रिटेंशन ऑफ ऑडिट फाइल मिनिमम 7 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। क्लियर है? पहला पॉइंट बोला बच्चा पॉलिसी प्रोसीजर बनाना है, दूसरा बोला 60 दिन के अंदर हमें असेंबली करना है, 60 डेज मैक्सिमम फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तीसरा पॉइंट रिटेंशन पीरियड मिनिमम 7 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ये तीनों पॉइंट कहीं भी मेंशन करने हो तो ठोको SQC 1। ठीक है, बाद हमें साथ में क्या लिखना होगा, SQC 1। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये रिवीजन का सेकंड लेक्चर कंप्लीट होता है। बच्चों हमने आज चैप्टर 2 और चैप्टर 6 ये दोनों कंप्लीट किए, तो आपके 4 चैप्टर हमने रिवीजन में अब तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इसका एक टेस्ट सीरीज प्लान कर सकते हैं।